सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुसर आज़म है और मैं डाव मेडिकल कॉलेज में थर्ड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। सो आज जो हमने टॉपिक कवर करना है, दैट इज़ डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। मैं कोशिश करूँगा इसको आइदर दो पार्ट्स में या फिर तीन पार्ट्स के अंदर कवर करा दूँ। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। MDCAT के लिए देखें, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट थिंग इज़ दैट डाव जो है वो इस तरह एग्जाम लेता है कि वो सिलेबस को देखता तक नहीं है, एंड फॉर दैट रीज़न दिस चैप्टर हैज़ बीन इंक्लूडेड कि मैं अपनी प्लेलिस्ट में इसको पढ़ाऊँ। खास तौर पर इसको MDCAT के तरीके से पढ़ाऊँगा। आई वॉन्ट बी गोइंग थ्रू द डायग्राम्स। ठीक है, रीज़न सिंपल है, हम वो पॉइंट कवर करेंगे जो MCQ के तौर पर आ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्लांट्स के बारे में कह रहे हैं कि प्लांट्स जो होते हैं मल्टी सेलुलर हैं। ऑब्वियसली ये बात तो हर बच्चे को बताओगी। यूकेरियोट्स हैं, ऑब्वियसली इनका बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन के साथ कवर्ड होता है। फोटोसिंथेटिक हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, और इनकी सेल वॉल जो है सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। इनके अंदर सेल वैक्यूल होता है। फिर प्लास्टिड्स होते हैं, इनके अंदर प्लास्टिड्स के वो पिगमेंट्स वगैरह जो होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ कह रहे हैं इनके अंदर क्लोरोफिल ए होता है। तो MCQ का पॉइंट ये है कि इनके अंदर क्लोरोफिल कौन सा होता है प्लांट्स के अंदर? क्लोरोफिल ए। ठीक है, यहाँ पर ये बात आपने याद रखनी है। दैट इज़ अ वे ऑफ रीडिंग कि आप ऐसी बात कवर करो, ऐसी बात को मार्क करो टू रिमेंबर जो कि थोड़ी सी डिफरेंट होती है देन द नॉर्मल। दैट इज़ अ वे ऑफ रीडिंग एंड दैट यू ऑल शुड बी डूइंग। कह रहे हैं दे हैव अ टेंडेंसी टू डेवलप एम्ब्रियो। अब प्लांट्स क्या करते हैं बेसिकली, इनके अंदर पहले होगा ये कि जब भी इनके अंदर एक तरह से रिप्रोडक्शन का फिनोमेना होगा, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाएगा जायगॉट। ठीक है, जब जायगॉट बन जाता है ना, तो जायगॉट के बाद जायगॉट जो है अंदर ही डिवेलप होता है। जायगॉट आगे डिवाइड होता है। जब जायगॉट डिवाइड होता है माइटोसिस के जरिए, तो इसके बहुत सारे सेल बन जाते हैं। बहुत सारे सेल बन जाते हैं तो इस तरह एक एम्ब्रियो की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो बाद में जाके पूरा प्लांट बन जाता है। तो इनके अंदर एम्ब्रियो भी होता है और इनके अंदर हेटरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। हम इसको आगे डिस्कस भी बहुत डिटेल में करेंगे। हेटरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब सिंपली ये है कि जो इनकी जनरेशंस होती है ना, यानी जो लाइफ साइकिल होती है, उसमें दो तरह के सिनेरियो आते हैं। एक जो साइकिल होगी उसमें एक तरह की वैरायटी पाई जाएगी, दूसरी साइकिल में मतलब साइकिल तो सेम होगी बट उसमें दो तरह के जनरेशन देखने को मिलती है। एक जनरेशन ऐसी है जिसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि हम गमेटोफाइट वहाँ पर डोमिनेंट होगा, और एक और जनरेशन ऐसी है जिसमें हम देखेंगे कि स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा। तो गमेटोफाइट बनेगा यानी कि पहले हैप्लॉइड होंगे, फिर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनेगा। तो इस तरह इनकी साइकिल चलती रहती है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड हेटरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और इनकी रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल भी होती है, एसेक्सुअल भी होती है, दोनों तरह की रिप्रोडक्शन पाई जाती हैं। यहाँ पर बहुत थ्योरेटिकल बातें हैं, मैं सिर्फ वो बातें बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू। वो ये कह रहे हैं कि जो लाइफ है 3.5 बिलियन ईयर्स यहाँ पर स्टार्ट हुई, और कहा जाता है कि प्लांट जो थे वो पहले ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने लाइफ यहाँ पर स्टार्ट की। लेकिन जो पहले प्लांट थे देवर बेसिकली लिविंग इन द वाटर एक्वाटिक हैबिटेट के ऊपर, वेल अडेप्टेड थे। बाद में उन्हें ज़मीन पर आना पड़ा, और जब ज़मीन पर आए ना प्लांट तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। ठीक है, हम आगे जाकर डिस्कस भी करेंगे कि क्यों होता है ऐसा, और हम पढ़ेंगे कि क्यों जो एक्वाटिक हैबिटेट है वो ज़्यादा बेहतर होता है, फ़ायदेमंद होता है। चलो मैं ही बता देता हूँ। देखो, एक्वाटिक हैबिटेट जो है ना, वहाँ पर बेसिकली प्लांट को अंदर वाटर अबंडेंट में मिल रहा होता है, यानी कि वाटर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए वो भी वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है, आराम से वहाँ से हासिल कर रहे होते हैं। उनको ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसा नहीं होता उनको कि कभी पानी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, हमेशा हर वक्त ये चीज़ें इनको मिल रही होती हैं। ज़्यादा ड्रेस्टिक टेम्परेचर चेंज नहीं होता, क्योंकि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के ऊपर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा होता है, बट एक्वाटिक हैबिटेट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो कह रहे हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है प्लांट किंगडम की, वो बहुत मज़ेदार कहानी है। हम प्लांट्स की कहानी पढ़ने बैठ गए तो हो गया काम, राइट। कह रहे हैं प्लांट्स की बहुत सी स्पीशीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं ज़मीन के ऊपर, और ये हर तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं। इन्होंने ज़मीन के हर कोने को बेसिकली हासिल किया है जहाँ पर रहे हैं, हर क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर इन्होंने सर्वाइव किया है, और इनकी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है साइज और फॉर्म के मामले में। ठीक है, अच्छा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनकी जो कवरिंग होती है, उनकी जो बेसिकली जो उनकी बॉडी होती है इट इज़ कवर्ड विद क्यूटिकल, और जो क्यूटिकल होती है वो उनको बेसिकली बचाती है कि उनकी बॉडी से पानी ज़ाया ना हो। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर है अराउंड द ऑर्गन जो उनको सपोर्ट भी करती है। इसके साथ साथ जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो जाइलम एंड फ्लोएम पे मिलने से मिलके बनता है। जाइलम एंड फ्लोएम दोनों मिलके हम कहते हैं कि ये कंडक्टिंग सिस्टम बनाते हैं। अब कहीं पर कनेक्टिंग सिस्टम ये एक दोनों एक एक कनेक्शन की फॉर्म में होते हैं जहाँ पर हम उनको वस्कुलर प्लांट्स कहेंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि जाइलम एंड फ्लोएम दोनों अलग अलग होंगे, हम नॉन वस्कुलर प्लांट के अंदर गिनेंगे इनको। ठीक है,
स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं सच एज लीव्स एंड रूट्स एंड वुडी टिश्यू। अब हम देखेंगे कुछ प्लांट्स के अंदर लीव्स एंड रूट्स नहीं होते और कुछ के अंदर ये वुडी टिश्यू होता है। जो वुडी टिश्यू होता है एक स्ट्रांग होता है जो उनको हेल्प करता है कि वो अच्छा साइज हासिल करें, ग्रेटर साइज हासिल करें, और इसके साथ साथ ये हर तरह की जगह पर सर्वाइव कर सके, ठीक है। और जो वुडी टिश्यू होता है उनको हेल्प करता है कि वो स्मॉलर और नॉन वास्कुलर प्लांट्स के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है, ये बात हो गई। और जो बेसिकली जो स्मॉलर प्लांट्स होते हैं ना, स्मॉल छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो नॉन वास्कुलर होते हैं। नॉन वास्कुलर का मतलब है उनके अंदर कंडक्टिंग वेसल नहीं होती है, इनके जाइलम एंड फ्लोएम का कनेक्शन एक ग्रुपिंग की फॉर्म में जाइलम एंड फ्लोएम वहां पर मौजूद नहीं होता, बट बड़े प्लांट्स वास्कुलर प्लांट्स के अंदर ऐसा होता है। स्मॉल नॉन वास्कुलर प्लांट है कह रहे हैं वो डिफ्यूजन के जरिए अपना पानी हासिल करते हैं और अपनी न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं, बट बड़े प्लांट्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है बकायदा जाइलम एंड फ्लोएम से मिलकर जो बनता है। जो मेल गैमेट होता है वो पोलन में बनता है और वहां से फिर वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर चला जाता है, ठीक है। फिर जो ट्रांसपोर्ट, अच्छा जो मेल गैमेट है वो पोलन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। पोलन ग्रेन जो है वो या तो हवा के जरिए जाते हैं एनिमल के जरिए या फिर पानी के जरिए डिस्पर्स किए जाते हैं। कह रहे हैं जो पहले रहने वाले जो वस्कुलर प्लांट्स थे वो बहुत ज्यादा छोटे हुआ करते थे और स्वैम्पी एरियाज में रहते थे, यानी कि मार्शी एरियाज में रहते थे। एंड आफ्टर दैट अ डाइवर्स डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि उसके बाद प्लांट जो है वो बहुत तरह की वराइटी के अंदर आए, ठीक है। प्लांट को डिफाइन करें तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट हैं, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉफ हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, इनका अपना क्लोरोफिल होता है, सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है, हेटरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, और जायगोट जो है आगे जाके डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। ये बातें सारी याद रखनी है। कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स क्या हैं कि मल्टी सेलुलर यूकैरियोट हैं, ऑटोट्रॉफ हैं, प्लांट सेल वॉल वही वाली बात है, क्लोरोफिल इनका होता है जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, सेल वॉल जो है सेलुलोज से मिलकर बनती है, हेटरोमॉर्फिक अल्टरनेशन जनरेशन होती है, एंड जायगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, ठीक है। ये सारी बातें रिपीट कर रहा हूँ ताकि याद रहें। इनके अंदर क्यूटिकल भी होती है जो कि बेसिकली लिपिड वगैरह से मिलकर बनती है, ये वो वाला लिपिड जो कि इनसॉल्युबल होता है पानी में, एंड वैक्सेस से मिलकर बनती है। जो क्यूटिकल जो है वो लिपिड, इनसॉल्युबल लिपिड यानी कि वैक्स वगैरह से मिलकर बनती है, जो बैरियर के तौर पर काम करती है ताकि वाटर जो है डिफ्यूज ना हो जाए और बाहर ना ड्राई एटमोसफेयर के अंदर ना चला जाए, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना कि वाटर जाता है फ्रॉम एरिया जहाँ पर वो ज़्यादा होता है टू एरिया जहाँ पर वो कम होता है। तो अगर एटमोसफेयर ड्राई है यानी कि डेजर्ट वगैरह में, तो वहाँ पर क्यूटिकल वगैरह होती हैं प्लांट की जो उनको प्रोटेक्ट करती हैं कि ज्यादा एक्सेसिव वाटर का लॉस ना हो जाए, ठीक है, उनको यूवी रेडिएशन से भी इनको बचाती हैं। तो और कैरेक्टर्स जो इनके वो ये हैं कि प्लांट के अंदर कुछ दूसरे प्रोडक्ट होते हैं लाइक स्पोरो पोलिनिन एंड लिग्निन वगैरह। स्पोरो पोलिनिन और लिग्निन जो है बेसिकली इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और यही कहा जा रहा है कि स्पोरो पोलिनिन जो होता है वो इट इज मोर टफर मोर स्ट्रॉन्गर देन लिग्निन, ठीक है। और जो हमारे पास स्पोरो पोलिनिन है इट इज मेड अप ऑफ कैरोटीनॉइड, ये पिगमेंट्स होते हैं एक तरह के ना, और जो प्रोटेक्ट करता है इनको जो घास को जानवर होते हैं उनको खा ना जाएं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इनको बीमारियां ना हो जाएं। और ये इट आल्सो मेक स्पोर्ट्स ऑफ लैंड प्लांट्स टफ एंड फ्लेक्सिबल। ये जो स्पोरोपोलिन होता है इससे जो स्पोर्ट्स होते हैं लैंड वाले प्लांट्स के, वो प्लांट जमीन में पाए जाते हैं उनके स्पोर्ट्स को काफ़ी टफ एंड फ्लेक्सिबल बना देता है और रेजिस्टेंस बना देता है बायोडिग्रेडेशन से, कि ऐसा ना हो इन्वायरमेंट के अंदर आने वाले चेंजेस इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बेसिकली इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और प्लांट्स को अपराइट रखता है। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में गैसेज जो होती हैं वो स्मॉल पॉड्स के जरिए हासिल अंदर आती हैं बेसिकली प्लांट सरफेस के अंदर, यानी कि लीफ होता है, लीफ के ऊपर पोर होते हैं, पोर के जरिए सारी गैसेज अंदर आ रही होती हैं, ठीक है। स्टोमेटा जो होते हैं वो हॉर्नवर्ड्स के अंदर पाए जाते हैं, प्लांट की वरायटी है, मॉसिस भी प्लांट की वरायटी है लेंटिसेल में और वस्कुलर प्लांट में। और इसके अलावा सिंपल प्लांट में जो कि पुराने फॉसिल प्लांट्स हैं हम उसको यहाँ डिस्कस करेंगे, इसमें एक राइनिया इसकी एग्जाम्पल है। तो फॉसिल प्लांट की एग्जाम्पल क्या है, राइनिया, ठीक है, या रीनिया। रीनिया जो है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल प्लांट्स और ये बहुत पुराने जमाने का पौधा है, इसीलिए हम इसको एंशियंट फॉसिल प्लांट भी कहते हैं। उसके अंदर भी स्टोमेटा वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ अभी तक याद रखने की बात यही है कि स्पोरोपोलिनिन जो है किस चीज से मिल के बना है, एमसीक्यू का पॉइंट है, ज्यादा टफ होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है, ये एमसीक्यू के पॉइंट है। इसके साथ ये भी कि एंशियंट फॉसिल प्लांट हमारा रीनिया है, इसको भी याद रखना है। हेटरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है प्लांट्स के अंदर, ये भी याद रखना है। वस्कुलर सप्लाई एंड लिग्निन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कह रहे हैं जो वस्कुलर ट्रांसपोर्ट है ना प्लांट के अंदर वो जाइलम एंड फ्लोएम से मिलकर बनती है। जो जाइलम है वो वाटर और मिनरल आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है और जो शुगर वगैरह है वो इट इज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, ठीक है। और जो लिग्निन होता है वो जाइलम वगैरह को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और प्लांट को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कह रहे हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है एक ऐसी लाइफ साइकिल है जहां पर
ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जनरेशन जो है वो अल्टरनेट करती है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन, यानी कि एक दफा ऐसा होगा कि जो ऑर्गेनिज्म बनेगी वो ए सेक्सुअली बनेगी, फिर जो ऑर्गेनिज्म बनेगी वो सेक्सुअली बनेगी, जो एक ऐसी ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअली करेगी, फिर एक ऐसी ऑर्गेनिज्म आएगी जो रिप्रोडक्शन सेक्सुअली करेगी। और कह रहे हैं दो ऑल्टरनेशन जनरेशन होती है प्लांट के अंदर, एक गेमेटोफाइट जनरेशन होती है जो कि हैप्लॉइड होती है, यानी कि उसके अंदर क्रोमोसोम हाफ होते हैं, एंड मेल एंड फीमेल गैमेट उसके अंदर पाए जाते हैं। और ये क्या करती है, जो हैप्लॉइड जनरेशन होती है गेमेटोफाइट वाली, ये मेल एंड फीमेल गैमेट बनाती है। तो गेमेटोफाइट जनरेशन विल ऑलवेज मेक मेल एंड फीमेल गैमेट्स बाय माइटोसिस। मेल एंड फीमेल गैमेट जो है फिर वो मिलकर जायगोट बनाते हैं, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, और जायगोट जो है फिर वो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन बना देते हैं। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो, अच्छा गेमेटोफाइट हैप्लॉइड था, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है फिर वो स्पोर्स बनाएगा, जो स्पोर्स होंगे वो मियोसिस के जरिए बनते हैं और फिर वो डिस्पर्स हो जाते हैं, फिर कहीं जाकर वो जर्मिनेट करते हैं, जब जर्मिनेट करते हैं तो उससे दोबारा गेमेटोफाइट बनता है, फिर गेमेटोफाइट से दोबारा क्या बनता है हमारे पास मेल एंड फीमेल गेमेट, फिर वो दोबारा फ्यूज करके जायगोट, जायगोट से दोबारा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से दोबारा स्पोरोफाइट वगैरह वगैरह, ठीक है। सो कह रहे हैं लैंड प्लांट्स के अंदर हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड जनरेशन जो होती हैं वो हेट्रोमॉर्फिक होती हैं, यानी कि दीज गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट जो होते हैं वो अपने साइज एंड शेप में डिफर कर रहे होते हैं। ये मतलब इसका कि डिस्टिंक्टिव का मतलब है कि जो लैंड प्लांट्स होते हैं उनकी जो गेमेटोफाइट की लाइफ साइकिल एंड स्पोरोफाइट की लाइफ साइकिल है काफी डिफरेंट होती है, और वी कैन इजिली टेल कि कौन सा गेमेटोफाइट है कौन सा स्पोरोफाइट बाय सीइंग द शेप एंड साइज। अब हम यहाँ पर बेसिकली पहले नॉन वस्कुलर प्लांट्स को बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, एंड वी विल देन स्टडी द वस्कुलर प्लांट्स। नॉन वस्कुलर प्लांट होते हैं ये वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर स्पेशल जो कंडक्टिंग वेसल हो टिश्यू होते हैं ना जाइलम एंड फ्लोएम से मिलकर बनने वाला वो नहीं होता। तो नॉन वस्कुलर प्लांट डू नॉट हैव कंडक्टिंग टिश्यू मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, एमसीक्यू का पॉइंट है क्योंकि ट्रांसपोर्ट करता वाटर न्यूट्रिएंट को ना। गेमेटोफाइट जो होता है नॉन वस्कुलर प्लांट के अंदर डोमिनेंट है, बार बार पूछा जाने वाला एमसीक्यू, व्हिच इज अ डोमिनेंट, व्हिच इज अ बेसिकली डोमिनेंट लाइफ साइकिल इन नॉन वस्कुलर प्लांट, गेमेटोफाइट इज अ डोमिनेंट लाइफ साइकिल। डोमिनेंट होने के साथ साथ ये इंडिपेंडेंट है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पोरोफाइट, ठीक है। देन इनको मॉइस्ट हैबिटेट की जरूरत होती है, यानी कि बेसिकली वो एरिया जहाँ पर हल्का हल्का पानी मौजूद हो। और क्यों मॉइस्ट की एरिया की जरूरत होती है, यार इसलिए होती है कि जो इनका जो मेल का स्पर्म होता है ना वो फ्लैजिलेटेड होता है, तो वो उस वाटर के जरिए ट्रेवल करके फीमेल पार्ट में चला जाता है, ठीक है। तो यानी कि क्योंकि मेल स्पर्म है, इट शुड स्विम थ्रू द वाटर ड्रॉपलेट्स, तो उसके लिए जरूरी है कि इन्हें क्या मिले, मॉइस्ट हैबिटेट मिले। कह रहे हैं लीवर वॉर्ट्स, हॉर्न वॉर्ट एंड मॉसिस आर एग्जाम्पल, याद एग्जाम्पल भी बहुत आएंगी भाई, एग्जाम्पल आपने याद रखनी, एग्जाम्पल आपने बिल्कुल नहीं भूलनी, ठीक है। जस्ट डू नॉट फॉरगेट द एग्जाम्पल, यहाँ पर जो एग्जाम्पल है हमारे पास लीवर वॉर्ट, हॉर्न वॉर्ट एंड मॉसिस की है। ओके फाइन, फिर आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं ब्रायोफाइट्स को, जो कि बेसिकली नॉन वस्कुलर प्लांट की ही टाइप है। सॉरी, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो कह रहे हैं सिंपलेस्ट नॉन वस्कुलर प्लांट हैं जो कि जमीन पर पाए जाते हैं, और ये 450 मिलियन ईयर से को जमीन पर आए थे, ये याद रख लेना, 450 मिलियन ईयर अगो ब्रायोफाइट जमीन पर आए थे। तो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके अंदर स्ट्रेंथनिंग एंड कंडक्टिंग टिश्यू, यानी कि जो हमारे पास वस्कुलर टिश्यू होता है वो एब्सेंट होता है। इसके अंदर कौन सा आता है, ब्रायोफाइट के अंदर आते हैं लीवर वॉर्ट्स जिसको क्लास हेपेटिकाई कहते हैं या हेपेटिकाई कहते हैं, हॉर्न वॉर्ट्स जिसके अंदर क्लास एंथोसीरोटाई आता है, एंड मॉसिस जिसमें क्लास मस्काई आता है। तो ये बिल्कुल याद रखनी है कि ब्रायोफाइट्स की कौन सी क्लासेस हैं, क्लास हेपेटिकाई, क्लास एंथोसीरोटाई, क्लास मस्काई, हेपेटिसाई ओके, क्लास मस्काई ओके, क्लास एंथोसीरोटाई ओके, ब्रायोफाइट्स के अंदर ये सारी क्लासेस पाई जाती हैं। ब्रायोफाइट्स क्या है, स्मॉल फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग गेमेटोफाइट हैं क्या गेमेटोफाइट हैं ये, ठीक है। दैट लाइक अ वस्कुलर टिश्यू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके लिए वाटर चाहिए ताकि स्पर्म जो है स्विम करके चला जाए एंथीरिडियम के अंदर, बल्कि एंथीरिडियम से जाए आर्चिगोनियम। एंथीरिडियम जो होता है बेसिकली वो मेल गेमेट होता है, ठीक है, बल्कि मेल गेमेटोफाइट होता है, और जो इस आर्चिगोनियम है वो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जो स्पोरोफाइट होते हैं कह रहे हैं ग्रो करता है गेमेटोफाइट के ऊपर, तो स्पोरोफाइट बेसिकली डिपेंड करता है गेमेटोफाइट के ऊपर, और किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए। अब जनरल कैरेक्टर पढ़ते हैं हम कि जो हमारे पास नॉन वेस्कुलर प्लांट होते हैं, यानी कि वो प्लांट जिसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट है, उनकी क्या खास बातें हैं, खास बातें ये हैं कि उनके अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, जिसमें डोमिनेंट क्या होता है गेमेटोफाइट होता है, हैविंग एम्फीबियस नेचर, यानी कि इसको पानी की जरूरत होती है अपनी एक लाइफ में। गेमेटोफाइट होते हैं वो कह रहे हैं क्लोरोफिल से मिलकर बनते हैं, और ऑटोट्रॉफ होते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है, इनकी बॉडी थैलॉइड होती है, थैलॉइड का मतलब है इनके अंदर कोई सही स्टेम नहीं होता, ठीक है,
बिखरी पड़ी है, यानी कि जिस तरह ऑक्टोपस टाइप नहीं होता ऐसे पड़ा होता है, इस टाइप है, ठीक है, थैलॉइड बॉडी है, कोई खास बॉडी नहीं है, या फिर इसके अंदर राइजॉइड्स होते हैं। राइजॉइड किसको कहते हैं यार, राइजॉइड्स आर रूट लाइक स्ट्रक्चर बट दे आर नॉट रूट, बेसिकली फॉल्स रूट कह सकते हो कि इस तरह होगा और वहां पर ना कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकल रही होंगी, जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होंगी उनको हम राइजॉइड कहते हैं। इस तरह थैलॉइड होगा, थैलॉइड जो बॉडी है वहां से ना कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे निकल रहे होंगे, उनको हम राइजॉइड कहते हैं, विच आर रूट लाइक स्ट्रक्चर, जो कि बेसिकली यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब करने में काम आएंगे। इनका स्टेम भी सूडो होता है, लीव्स भी सूडो, यानी कि ना तो ट्रू लीव है इनके अंदर, एमसीक्यू के पॉइंट है, जो हमारे ब्रायोफाइट है उनके अंदर ना तो ट्रू लीव है ना तो ट्रू स्टेम है, ठीक है। तो मेल गैमेट होता है, हम उसको एंथीरोजॉइड कहते हैं या स्पर्मेटोजॉइड कहते हैं, और वो कहाँ पर बनता है, एंथीरिडियम के अंदर बनता है। मेल गैमेट एंथीरोजॉइड या स्पर्मेटोजॉइड जो होता है वो एंथीरिडियम के अंदर बनता है, ठीक है। और जो फीमेल गैमेट होता है, जो नॉन मोटाइल एग सेल से मिलकर बनता है, नॉन मोटाइल होता है जहां पर होता है वहीं बनता है, इसके अंदर न्यूट्रिशन भी होती है, खाना भी जमा होता है, वो आर्चिगोनियम के अंदर बनता है। तो फीमेल का पार्ट जो है आर्चिगोनियम के अंदर बनता है, मेल का पार्ट एंथीरिडियम के अंदर बनता है। जो कह रहे हैं स्पोरोफाइट जो होते हैं, जो बेसिकली डिपेंड कर रहे होते हैं हमारे ब्रायोफाइट के ऊपर या गेमिटोफाइट के ऊपर, सॉरी, वो सेमी पैरासाइट होते हैं, यानी कि बिल्कुल फायदा ना तो नुकसान, यानी कि नुकसान दे रहे हैं हल्का, क्योंकि न्यूट्रिशन हासिल कर रहे हैं यार उससे, जो उसका खाना है वो खुद खा रहे हैं। ये डिपेंड करते हैं गेमिटोफाइट के ऊपर। इनकी बॉडी जो होती है वो फूट सेटा एंड कैप्सूल तीन पार्ट से मिलकर बनती है। वो ऐसा होता है कि मैं क्या बना रहा हूँ, खैर ये तो बहुत ही कुछ उल्टा बन गया, लेट्स क्लियर इट फर्स्ट। ओके, जो यहाँ पर बात करनी थी वो ये थी कि जो स्पोरोसाइट्स होते हैं इनकी बॉडी के तीन पार्ट होते हैं, फूट सेटा एंड कैप्सूल। फूट सेटा एंड कैप्सूल तीन पार्ट हैं किसके, स्पोरोफाइट के। स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट कंसिस्ट ऑफ फूट सेटा कैप्सूल। फूट सेटा कैप्सूल कौन, स्पोरोफाइट, किसके, स्पोरोफाइट ब्रायोफाइट के। ओके, स्पोर जो होते हैं वो स्पोरोफाइट के अंदर बनते हैं, स्पोर मदर सेल से, स्पोर मदर सेल से स्पोरोफाइट के अंदर बनते हैं मियोसिस के प्रोसेस के जरिए, ठीक है। तो डैम्पी या शेडी प्लेसेस के अंदर रहते हैं, एम्फीबियस नेचर के होते हैं, यानी कि पानी चाहिए इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए। स्पर्म फ्लैजिलेटेड होते हैं, स्विम करते हैं एंथीरिडियम मेल पार्ट से आर्चिगोनियम फीमेल पार्ट के बाद, जाकर एग को फर्टिलाइज करते हैं, और जहां पर फिर वो आगे, और जो आर्चिगोनिया है कह रहे हैं मैच्योर होकर आगे स्मेल प्रोड्यूस करता है, जो स्मेल होती है वो अट्रैक्ट करती है हमारे किसको, बेसिकली द स्पर्म्स ऑफ द एंथीरिडियम, ठीक है। तो मेल गैमेट होता है वो मैच्योर पहले कर जाता है फीमेल से, ये एमसीक्यू का पॉइंट आ गया। व्हाट इज प्रोटो एंट्री, प्रोटो एंट्री का मतलब है कि जो मेल का पार्ट है, यानी कि मेल जो एंथीरिडियम है, इट विल बी मैच्योर, इट विल मैच्योर फर्स्ट, ठीक है। मेल गैमेट विल मैच्योर फर्स्ट देन द फीमेल गैमेट, तो ये प्रोसेस जिसमें मेल गैमेट पहले मैच्योर होता है फीमेल गैमेट से, इसको हम प्रोटो एंट्री कहते हैं। ब्रायोफाइट जो होता है उसके अंदर लिग्निन वाले टिश्यू नहीं होते, ठीक है। जब लिग्निन इनके अंदर नहीं होता तो इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते, ना इनको सपोर्ट मिल रही होती है, तो लिग्निन बेसिकली हेल्प करता है और सपोर्ट करता है ना, जब वो नहीं होता तो इसको सपोर्ट भी नहीं मिल रही होती। अब हम लाइफ साइकिल को पढ़ते हैं जहाँ से बेसिकली एमसीक्यू आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। जो होंगे वो बता दूंगा मैं पढ़ाते हुए, ठीक है। जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके अंदर हेटरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, एमसीक्यू का पॉइंट हो गया ये, जिसमें गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है, जिसमें हमारे पास फुनेरिया आ गया, ठीक है। फुनेरिया इसकी एग्जांपल है, अब मॉस, ठीक है। गेमिटोफाइट जो होता है कह रहे हैं हैप्लॉइड है, ठीक है, जिसके अंदर राइजॉइड होता है, ओके, राइजॉइड रूट लाइक स्ट्रक्चर, सूडो स्टेम होता है, यानी कि नो ट्रू स्टेम नो ट्रू लीव। ब्रायोफाइट मॉस के अंदर, जिसका मॉस का दूसरा नाम है फुनेरिया हाइग्रोमेट्रिका, इसके अंदर ना तो इसके अंदर राइजॉइड होता है, सूडो स्टेम होता है, सूडो लीव होता है, नो ट्रू लीव नो ट्रू स्टेम एंड नो ट्रू रूट्स, तीनों चीजें इसके अंदर मिसिंग है ब्रायोफाइट के मॉस के अंदर। इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन एंथीरिडियम है, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम है, वो जो होता है सूडो स्टेम के ऊपर ग्रो कर रहा था, सूडो स्टेम होगा, एक स्टेम होगा, स्टेम के ऊपर यहाँ पर ग्रो कर रहे होंगे हमारे मेल एंड फीमेल पार्ट एंथीरिडियम एंड आर्चिगोनियम, ठीक है। और दे आर डायोशियस, डायोशियस का मतलब होता है ये यूनिसेक्सुअल नहीं है, बल्कि दे आर डायोशियस का मतलब है यूनिसेक्सुअल होते हैं, हैविंग आइदर या मेल या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन। ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही के अंदर पाए जाए, अगर दोनों एक ही के अंदर होंगे तो हम कहेंगे बायसेक्सुअल है, बट सिंस यहाँ पर जो डायोशियस है यानी कि या तो मेल ऑर्गन होगा या फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, ठीक है, एमसीक्यू का पॉइंट है। इसमें प्रोटो एंट्री देखने को मिलती है, यानी कि वही बात है कि मेल पार्ट पहले डेवलप कर जाता है, क्योंकि एंथीरिडिया जो होता है कह रहे हैं पहले मैच्योर हो जाता है, और जो उसके जो स्पर्म्स होते हैं ना एंथ्रोजॉइड जो होता है उसको रिलीज कर देता है। एंथ्रोजॉइड यानी कि जो स्पर्म है बेसिकली इसके वो स्विम करते हैं अपने फ्लैजेला की मदद से, या पानी वाले ड्यू या फिर रेन वाटर के अंदर। जब आर्चिगोनिया मैच्योर हो जाता है तो उनके अंदर एक ओवम आ जाता है इन द वेंटर। वेंटर क्या होता है, एमसीक्यू के लिए बताता हूँ, वेंटर इज जस्ट अ पार्ट जहां पर एग डेवलप होता है। तो वेंटर इज अ पार्ट जहां पर ओवम यानी एग डेवलप होता है। तो बेसिकली
जहां पर वेंडर इस तरह का होगा यार, आप ये समझ लो कि इस तरह ये वेंडर पार्ट कहलाएगा, ये नेक होगी इसकी, और नेक के अंदर यहाँ पर सेल्स होंगे जिनको हम नेक कैनाल सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो नेक कैनाल सेल्स जो होते हैं वो नेक के अंदर होते हैं। स्विमिंग स्पर्म जो है वो अट्रैक्ट होते हैं ड्यू टू द सेंट ऑफ शुगर केन विच इज सिक्रेटेड बाय द मैच्योर आर्चिगोनिया। एमसीक्यू का पॉइंट है कि वो क्यों अट्रैक्ट होते हैं, बिकॉज ऑफ द शुगर केन जैसी सेंट विच इज सिक्रेटेड बाय द मैच्योर आर्चिगोनियम। बट कह रहे हैं इतने सारे जितने भी एंथ्रोजॉइड्स आएंगे आएंगे, बट बेसिकली जो आखिर में फर्टिलाइज करेगा वो एक ही एंथ्रोजॉइड होगा जो कि जाएगा ओवम के साथ मिलकर डिप्लॉयड जायगोट यानी गोस्पोर बना देगा। फिर जो ये जायगोट है ये आर्चिगोनियम फीमेल पार्ट के अंदर रहेगा और एम्ब्रियो बनाएगा। ये एम्ब्रियो जो है बार बार माइटोटिकली डिवाइड होगा और उससे फिर स्पोरोफाइट बन जाएगा जो कि डिप्लॉयड है। फाइनली स्पोरोफाइट बन चुका है, ठीक है। स्पोरोफाइट कैसे बना है, जब बेसिकली वो मेल का जो एंथ्रोजॉइड था वो शुगर केन की सेंट की वजह से इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। जब अट्रैक्ट हुआ तो इसके पास आता गया, जब आता गया तो फिर क्या हुआ, वो वेंटर के अंदर गया। वेंटर क्या है, वो पार्ट है जिसके अंदर एग डेवलप हो रहा है, ओवम डेवलप हो रहा है, वहां पर जाके एक एंथ्रोजॉइड ने फ्यूज किया, डिप्लॉयड जायगोट यानी गोस्पोर बनाया। अब डिप्लॉयड जायगोट यानी गोस्पोर बनाया तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो है एम्ब्रियो में चेंज हो गया माइटोटिकली डिवाइड करके, फिर और इसकी माइटोटिक डिवीजन होती रही, इससे फिर स्पोरोगोनियम यानी कि स्पोरोफाइट बन गया जो कि डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड है तो फूड सेड एंड कैप्सूल होगा, हमने पढ़ा ना इसका क्या होता है, फूड सेड एंड कैप्सूल होता है। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल्स होते हैं, हमेशा कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होंगे जो कि एक स्पोर मदर सेल से चार हैप्लॉयड स्पोर बनते हैं। फिर जो एक स्पोर होता है हैप्लॉयड स्पोर में, चार हैप्लॉयड स्पोर बन चुके हैं ना राइट, इन चार में से कोई भी एक स्पोर जो है वो जाएगा कहीं भी गिर जाएगा ऐसी जगह जहां पर उसकी जर्मिनेशन हो सकती है और वो एक फाइलामेंट जैसी प्रोटीनिमा बॉडी बना देगा। यानी कि हैप्लॉयड स्पोर जो है वो जाएगा गिरा और इससे एक ऐसा लंबा एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको प्रोटीनिमा कहते हैं। जो प्रोटीनिमा है आगे जाकर गमीटोफाइट यानी कि हैप्लॉयड पार्ट बनाएगा। तो जो गमीटोफाइट होता है वो मॉस की लाइफ साइकिल में प्रोटीनिमा से बनता है और यहाँ पर लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। हल्का बताना चाहूँ तो देखो मैंने कहा था जो उसके सूडो स्टेम होते हैं या सूडो लीव, वहां पर मेल गमीटोफाइट या फीमेल गमीटोफाइट पाए जाते हैं। और फिर क्या होता है, मेल गेमेटोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट जो है वो बेसिकली एंथेरिडियम जो होता है उसके अंदर स्पर्म पैदा होता है, आर्चिगोनियम के अंदर एग होता है, आर्चिगोनियम के अंदर जो एग होता है वो वेंडर के अंदर डेवलप कर रहा होता है। यहाँ पर फिर क्या होता है, जो मेल का स्पर्म है वो आर्चिगोनियम के अंदर चला जाता है, जब आर्चिगोनियम के अंदर चला जाता है तो यहाँ पर वो जायगोट डेवलप होता है, जायगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो जो होता है डिवाइड करके स्पोरोफाइट बनाता है, स्पोरोफाइट के अंदर ये कैप्सूल डिवेलप होना शुरू होता है, जो कैप्सूल होता है उसके अंदर स्पोर मदर सेल होते हैं, जब स्पोर मदर सेल होते हैं एक स्पोर मदर सेल से चार हैप्लॉयड स्पोर बनते हैं और एक जो हैप्लॉयड स्पोर है वो प्रोटीनिमा बनाता है, उससे दोबारा गेमेटोफाइट बन जाता है। फिर जो नॉन वास्कुलर प्लांट है हमने कहा कि जमीन पर रहते हैं, इनके अंदर क्या अडेप्टेशन आई, कह रहे हैं जो पहला एविडेंस जो इनको मिला है ना कि प्लांट जो है उन्होंने लैंड को इन्वेड किया था सी से, ये बात बिल्कुल ठीक है। जिस तरह इंसान के बारे में भी ये कहा जाता है कि उन्होंने पहले सी में रहते थे, समंदर के अंदर रहते थे, इंसान क्या बल्कि जानवर जानवर जो थे पहले समंदर के अंदर रहते थे बट बाद में वो जमीन पर आए, पहले वो एम्फीबियस बने फिर जमीन पर आए। सेम इसी तरह वो कहा जाता है कि जो प्लांट जो थे पहले लैंड के अंदर नहीं बल्कि सी के अंदर रहते थे, एक्वाटिक थे, फिर वो लैंड के ऊपर आए, ठीक है। और ये उनको फॉसिल के जरिए बात पता चली है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई प्लांट और एनिमल दोनों के जो एंसेस्टर थे वो एक्वाटिक थे, फिर लैंड उन्होंने बाद में लैंड के ऊपर कब्जा कर लिया और अपने अंदर वो अडेप्टेशन ले आया जो कि उनको हेल्प करती हैं लैंड के अंदर यानी कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करने में। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड, ओके। तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की लाइफ बहुत ईजी है, वाटर जो कि जरूरी होता है प्लांट के लिए या हर लिविंग थिंग को ग्रो करने के लिए वो वहां पर हर हाल में मौजूद है, ठीक है। यानी कि वाटर का लैक तो बिल्कुल नहीं होने वाला। और क्या है भाई, इसके क्या फायदे हैं पानी के, और ये फायदे हैं वहां पर कि जो भी उसको कंपाउंड की जरूरत है यानी कि कार्बन की जरूरत होती है ना प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए, तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड वहां पर बहुत ज्यादा होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफ को चाहिए होते हैं, ठीक है। फिर ऑटोट्रॉफ जो है इन रिटर्न ऑक्सीजन बनाते हैं जो कि वहां पर मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है सर्वाइव करने में। टेम्परेचर ज्यादा चेंज नहीं होता जो कि हेल्प करता है। इसके साथ साथ जो कह रहे हैं एक्वाटिक एनवायरनमेंट जो है मोर यूनिफॉर्म है एंड बेटर सप्लाइड विद ऑल द नेसेसिटी ऑफ लाइफ विच आर बेसिकली नीडेड बाय द प्लांट और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। यानी जब प्लांट ने इन्वेड किया था ना लैंड को सी से, तो पहले उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। क्या पहले पहले वो समंदर के अंदर रहते थे तो पानी तो बहुत ज्यादा था, अब जब समंदर से बाहर आ गए तो दे नीड समथिंग टू कंजर्व वाटर, ठीक है। और उन्हें बाहर जो पहले उनको कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर डिजोल्व फॉर्म में मिल रही थी, अब वो भी नहीं मिल रही। इसके साथ साथ उनको फोटोसिंथेसिस भी करना था,
इसी एटमोसफेयर के CO2 को यूज करके ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो लैंड जो थे उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया कैसे, कुछ चेंजेस बनाकर। वो चेंजेस क्या है, उन्होंने अपने अंदर राइजोइड बनाई। राइजोइड जो क्या थी, रूट लाइक स्ट्रक्चर थे, तो उनको वाटर एब्जॉर्ब करने में काम आते थे। फिर इन्होंने वाटर को बचाने के लिए अपने ऊपर क्यूटिकल की लेयर डेवलप कर ली। फिर CO2 की एब्जॉर्प्शन के लिए इनके ऊपर बहुत सारे पोर्स आ गए, ठीक है। फिर हेट्रोगेमेट्स यानी इनके मेल और फीमेल गैमेट अलग हो गए जो कि हेल्प करते हैं इनको संभाव। फिर इनके रिप्रोडक्टिव सेल बनना शुरू हो गए, फिर एम्ब्रियो बनना शुरू हो गया। अब हम सारी हेडिंग्स को दोबारा से पढ़ेंगे। यहाँ पर राइजोइड वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए होते हैं, और जो मर्केंशिया थैलेज है एक उसकी डायग्राम नीचे दिखाई गई है, ये है कि मर्केंशिया थैलेज है एक ब्रायोफाइट है हमारे पास। और इसका स्ट्रक्चर देखें तो ऊपर हमें वो नजर आते हैं। यहाँ पर बेसिकली एक क्यूटिकल की लेयर होगी सबसे ऊपर, फिर ये अपर एपिडर्मिस होता है, फिर नीचे ये लोअर एपिडर्मिस होगा, ये पूरा पैरेन्काइमा होगा। यहाँ पर हमें पोर नजर आ रहा है, पोर के अंदर यहाँ पर एयर चैम्बर मौजूद है, ठीक है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि इसके नीचे से ना एक राइजोइड की एक्सटेंशन हो रही है पैरेन्काइमा से या लोअर एपिडर्मिस से। राइजोइड क्या है, वो पार्ट है जो रूट लाइक है, हेल्प करेगा वाटर को एब्जॉर्ब करने में, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। ये लॉन्ग है और फाइलामेंट की एक्सटेंशन है, लोअर सरफेस ऑफ थैलस से मिलकर बनती है मर्केंशिया थैलस की। और ये क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, यानी देखो सरफेस एरिया बढ़ने का मतलब है एक एक राइजोइड है, फिर वहां से एक और राइजोइड, फिर एक और राइजोइड, एक और राइजोइड। बहुत सारे राइजोइड जब इस तरह आ जाते हैं तो ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं कि वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब हो। पानी बचाने के लिए जो इनकी बॉडी है ना थैलस की, जितने भी बेसिकली ब्रायोफाइट्स हैं उनके ऊपर बहुत सारी लेयर्स होती हैं इस तरह की, वो मल्टी सेलुलर या मल्टी लेयर होती है। और थोड़ा सा सरफेस एरिया ऐसा होता है जो कि बेसिकली एटमॉस्फेयर के साथ डायरेक्टली एक्सपोज होता है। जब कम एरिया एक्सपोज होगा तो इससे फायदा क्या होगा, ट्रांसपरेशन कम होगी। ट्रांसपरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर कम होगा, ठीक है। इसके साथ साथ कह रहे हैं जो नॉन सेलुलर लेयर होती है ना, अच्छा इससे पहले हम ये बात पढ़ लें कि जो आउटर एंड अपर मोस्ट लेयर है, बाहर वाली एंड सबसे ऊपर वाली जो लेयर है ना, इट इज कवर्ड विद क्यूटिकल। तो ये जो क्यूटिकल है वो कवर कर रही है आउटर मोस्ट लेयर को, ठीक है। इट इज नॉन सेलुलर लेयर ऑफ वैक्स, ठीक है। वैक्स लाइक सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिन, जो क्यूटिकल है वो वैक्स लाइक सब्सटेंस की एक लेयर है, नॉन सेलुलर है यानी इसके ऊपर कोई सेल नहीं होते। और ये बहुत फायदेमंद है, इससे रेट ऑफ एवेपोरेशन कम हो जाता है। जब रेट ऑफ एवेपोरेशन कम हो जाता है तो पानी बच जाता है, राइजोइड से ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। CO2 को अब्जॉर्ब करने के लिए इन्होंने अपने अंदर क्या क्या चेंजिंग लाई है। लैंड प्लांट जो है उन्हें एक एफिशिएंट तरीका चाहिए गैसेस को अपने अंदर अब्जॉर्ब करने का। तो मर्केंशिया थैलस के अंदर बहुत ज्यादा पोर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं। अपर सरफेस इज प्रोवाइडेड विद नंबर ऑफ पोर्स, ईच पोर जो होता है उसके अंदर, एक पोर से आप अंदर आओगे तो एयर चैम्बर के अंदर आपको ले जाएगा। यहाँ पर वही बात बताई गई, ये जो चैम्बर है उनके अंदर फोटोसिंथेसिस वाले सेल मौजूद होते हैं, और एयर जो कि जिसके अंदर CO2 होती है वो अंदर आ जाती है पोर के थ्रू, एयर चैम्बर में ट्रैप हो जाती है और यहाँ पर मौजूद साइटोप्लाज्म के अंदर, हर सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज हो जाती है। हेट्रोगेमी का मतलब है कि दो अलग टाइप के गैमेट हैं, एक मेल गैमेट है एक फीमेल गैमेट है। जो मेल गैमेट है मोटाइल है, जो पानी के जरिए स्विम करके चला जाता है फीमेल गैमेट के पास, जो कि नॉन मोटाइल होता है, बट नॉन मोटाइल तो है, इसके पास बहुत सारा खाना होता है और ये वो शुगर केन वाली सेंट देता था जिससे बेसिकली मेल पार्ट जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो हेट्रोगेमी कह रहे हैं एक मोस्ट सक्सेसफुल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि ब्रायोफाइट को हेल्प करती है। रिप्रोडक्टिव सेल की प्रोडक्शन, देखो जो लैंड की एनवायरनमेंट है ना, ठीक है, इट रिक्वायर स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर द रिप्रोडक्टिव सेल। अब लैंड इतनी खतरनाक एनवायरनमेंट है, कभी बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, कभी बहुत कम टेम्परेचर है, या फिर बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, कभी पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, ठीक है, ड्राइनेस है यानी कि, या फिर एक्सेसिव रेन है। तो इन तमाम सिचुएशन में जरूरी है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, रिप्रोडक्टिव सेल को बचाया जाए। जो एम्फीबियस प्लांट होते हैं ना, उनके जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, दे आर वेरी वेरी वेल प्रोटेक्टेड। एम्फीबियस यानी कि वो प्लांट जो कि जमीन, जिनको बेसिकली अपनी ग्रोथ के लिए पहले पानी की जरूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए, वैसे सर्वाइव लैंड में कर रहे होते हैं, बट फॉर रिप्रोडक्शन दे नीड वाटर, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो एम्फीबियस प्लांट होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव सेल प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। एम्फीबियस प्लांट के रिप्रोडक्टिव सेल आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड। जो मेल गैमेट स्पर्म फीमेल गैमेट ओवम आर प्रोड्यूस इन द मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड एंथीरिडिया मेल का, आर्चिगोनिया फीमेल का। ये जो ऑर्गन्स हैं फर्दर एंथीरिडिया एंड आर्चिगोनिया, दे आर सराउंडेड बाय हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पैराफाइसिस। MCQ पॉइंट, एंथीरिडिया एंड आर्चिगोनिया आर सराउंडेड बाय हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पैराफाइसिस, जो कि इनको हेल्प करता है कि ड्राई ना हो, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो भी है, ठीक है। कह रहे हैं जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन है एम्फीबियस प्लांट में, ये यूनिवर्सल अक्रेंस है, यानी कि बेसिकली हर एम्फीबियस प्लांट के अंदर एम्ब्रियो बनता ही बनता है। एम्फीबियस प्लांट यानी कि वो प्लांट जिसको बेसिकली पानी की जरूरत है फॉर रिप्रोडक्शन।
फर्टिलाइज एग जिसको स्पोर कहते हैं, ओ स्पोर कहते हैं, यानी कि जायगोट, वो आर्चिगोनियम के अंदर होता है। तो एमसीक्यू का पॉइंट है कि जो फर्टिलाइज एग है वो आर्चिगोनियम के अंदर होता है, आर्चिगोनियम के अंदर होता है, ठीक है, जायगोट वाला। तो एम्ब्रियो है इसी ओस्पोर या जायगोट से डेवलप होता है, कैसे, जब ये हमारा ओस्पोर या जायगोट माइटोटिकली डिवाइड करता है, माइटोटिकली के डिवाइड, हाँ देखो, माइटोटिकली डिवाइड करने से जायगोट के बनता है हमारा एम्ब्रियो, ठीक है। और जो एम्ब्रियो होता है वो अंदर और डिवाइड होता रहता है, जब डिवाइड होता रहता है तो उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग आ जाती है आर्चिगोनिया की, ठीक है। और जस्ट जो कवरिंग होती है, इट इज फॉर्म बाय फीमेल ऑर्गन प्रोटेक्ट द ग्रोइंग एम्ब्रियो। जो फीमेल ऑर्गन है आर्चिगोनिया है, वो कवर करता है किसको, हमारे डिवेलप होने वाले एम्ब्रियो को। तो एम्ब्रियो यहाँ पर डिवेलप हो रहा होगा, इट विल बी कवर्ड बाय आर्चिगोनियम, ठीक है। ओके, कह रहे हैं ब्रायोफाइट्स की एडवांटेजेस क्या है, हमें क्या फायदा होता है इन ब्रायोफाइट्स का। कह रहे हैं ब्रायोफाइट जो है इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं, सॉइल की फॉर्मेशन यानी कि अच्छी जमीन बनाते हैं, फर्टाइल सॉइल के अंदर मॉइस्चर को रिटेन करते हैं, और चीजों को रिसाइकल करते हैं, न्यूट्रिएंट को रिसाइकलिंग करते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम है फॉरेस्ट के इकोसिस्टम के लिए। दे आर बायो इंडिकेटर, ये एमसीक्यू का पॉइंट है भाई, ठीक है, ये एमसीक्यू का पॉइंट है, सिंध बोर्ड के अंदर भी आया था। दे आर द बायो इंडिकेटर ऑफ हैवी मेटल इन एयर पॉल्यूशन, एमसीक्यू पॉइंट है। विच प्लांट्स आर द बायो इंडिकेटर ऑफ हैवी मेटल्स इन एयर पॉल्यूशन, द आंसर विल बी ब्रायोफाइट, ठीक है, या फिर एनी वो हिपाटिकाए मसाई वगैरह, वो आपने तीनों क्लासेस याद रखनी है, ठीक है। अगेन दोबारा बुक से चेक कर लो क्या नाम है एंड लर्न दोज। अच्छा, जस्ट इमेजिन कितना मुश्किल है मेरे लिए, करंट मैं एमबीबीएस रहा हूँ और पढ़ाना मुझे ये बॉटनी पढ़ रहा है, आई हेट टीचिंग बॉटनी टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मजबूरी है, पढ़ा लेते हैं, खैर है। वी होप सो कि आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ फायदा तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह। फ्रॉम एंशियंट टाइम, कह रहे हैं बहुत की दुनिया के बहुत सारे पार्ट्स में जो ब्रायोफाइट्स को था, इसको मेडिसिन के तौर पे यूज किया जाता था। अब एमसीक्यूज आना स्टार्ट होंगे, जो लीवर वोर्ट्स थे जिसको मर्केंशिया भी कहते हैं, लीवर डिजीज में काम आते हैं। लीवर वोर्ट्स का नाम क्या है, मर्केंशिया, मर्केंशिया थैलस, ये लीवर डिसऑर्डर में काम आते हैं। जो फिर एक होता है पोलीट्राइकम, जो पोलीट्राइकम होता है वो बुखार के लिए आता है, या कोई होम्योस्टेटिक प्रॉब्लम है यानी कि कोई मसला आ रहा है आयंस की कंसंट्रेशन वगैरह में, या कोई ट्रॉमेटिक इंजरी है, निमोनिया हो गया है, या कोई कैंसर हो जाए, लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है हमारे ब्लड का कैंसर। और जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी रखते हैं, यानी कि इंसेक्ट्स को भी मार सकते हैं, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द नॉन वास्कुलर प्लांट, अब मैं बेसिकली स्टार्ट करूंगा वास्कुलर प्लांट्स को, ठीक है। तो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द वास्कुलर प्लांट्स, देखो जो वास्कुलर प्लांट्स होते हैं ना, इनको हम वस्कुलर प्लांट्स पहली बात कहते हैं क्यों, ऑब्वियसली इनके अंदर वस्कुलर बंडल है, और वस्कुलर बंडल क्या होता है, वस्कुलर टिश्यू क्या होता है, वस्कुलर टिश्यू इज बेसिकली मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम, अंदर जाइलम होता है इस तरह, यहाँ कैम्बियम होता है, फिर यहाँ पर फ्लोएम होता है, तो अंदर जाइलम है, ठीक है, फिर यहाँ कैम्बियम है, और फिर यहाँ पर फ्लोएम है, ये पूरा टिश्यू इस तरह मिलाकर क्या बनाता है, वस्कुलर टिश्यू या वस्कुलर बंडल बनाता है। वस्कुलर टिश्यू की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पहली क्या है कि ये ट्रांसलोकेशन करते हैं किसकी, वाटर की और न्यूट्रिएंट्स की। ट्रांसलोकेशन का मतलब इनको मूव करते हैं थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, ठीक है। तो पहला काम है ये ट्रांसपोर्ट का, यानी कि ट्रांसलोकेशन वाला। जाइलम जो है वो वाटर और आयंस को कैरी करता है, साथ में सॉल्ट्स को, और जो फ्लोएम जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्यूट जैसे कि शुगर वगैरह जो फोटोसिंथेसिस के बाद बनते हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करता है। एंड दैट इज व्हाट आई हैव डिस्कस इन फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट्स के चैप्टर में। जो सेकेंडली जो प्लांट बॉडी है वो इस जाइलम की वजह से ना सपोर्ट में भी होती है, क्यों, क्योंकि जाइलम जो है ना वो लिग्निफाइड सेल से मिलके बनता है, और लिग्निफाइड काफी टफ स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेंथ देने वाला स्ट्रक्चर है। एनदर लिग्निफाइड टिश्यू एक स्क्लेरेन्काइमा है, वो भी वस्कुलर प्लांट को हेल्प करता है और सप्लीमेंट करता है किसको, बेसिकली हमारे मैकेनिकल रोल ऑफ जाइलम को। जाइलम का काम ठीक है ट्रांसपोर्ट का तो है ही है, बट एनदर रोल इज इसका वो क्या है, हिज सेकेंड रोल, द सेकेंड रोल ऑफ अवर जाइलम इज मैकेनिकल वन। मैकेनिकल वन क्या मतलब, जैसे कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है बिकॉज इसके अंदर लिग्निन होता है जो कि काफी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये एमसीक्यू का पॉइंट हो गया, ठीक है, क्या पॉइंट हुआ एमसीक्यू का, कि जो हमारे पास लिग्निन है विच इज बेसिकली प्रेजेंट इन जाइलम, तो बेसिकली जाइलम एक मैकेनिकल रोल भी प्ले करता है और ट्रांसपोर्ट का भी। और जो स्क्लेरेन्काइमा है वो भी हमारे पास एक तरह का ऐसा टिश्यू है, लिग्निफाइड टिश्यू है, तो स्क्लेरेन्काइमा के अंदर भी लिग्निन होता है, और ये हेल्प करता है किसकी, जाइलम की, कि वो मैकेनिकल रोल प्ले करे यानी कि सपोर्टिव रोल प्ले करे। तो डोमिनेंट जनरेशन जो, अच्छा, हमारे पास जो ब्रायोफाइट्स है उसके अंदर जो डोमिनेंट जनरेशन थी, जो नॉन वास्कुलर प्लांट के अंदर डोमिनेंट जनरेशन थी, दैट वाज गैमेटोफाइट, जहां पर जो डोमिनेंट है हमारे पास
वो है उसका उल्टा, दैट इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट यहाँ पर फ्री लिविंग होता है, वहां पर क्या था, इट वॉज नॉट फ्री लिविंग देयर, इट वॉज बेसिकली डिपेंडिंग ऑन गमेटोफाइट फॉर इट्स न्यूट्रिशन, और वो वहां पर सेमी पैरासाइट था। याद करो सारी बातें, गमेटोफाइट जो है यहाँ स्मॉलर होता है, ठीक है, साइज में, और इस छोटे इसके सेक्स ऑर्गन होते हैं, ये बायसेक्सुअल यानी कि मोनोइशियस भी हो सकता है। बायसेक्सुअल मोनोइशियस का मतलब है मोनो यानी एक ही के अंदर दोनों ऑर्गन होंगे, एंड डाइशियस का मतलब है दो, यानी कि दो अलग जगह पर इसके जो ऑर्गन है वहाँ वो होंगे, एक में मेल होगा एक में फीमेल होगा। शॉर्ट लिव्ड होता है कौन हमारा यहाँ पर, गेमेटोफाइट, और डिजेनरेट कर जाता है जैसे ही वंस स्पोरोफाइट इज एस्टेब्लिश। जैसे स्पोरोफाइट बनता है हमारा गेमेटोफाइट बेसिकली चला जाता है। कहते हैं वस्कुलर प्लांट के दो मेजर ग्रुप है हमारे पास, ठीक है, एक है सीडलेस प्लांट जिसमें बीज नहीं होता, उसमें हमारे पास फर्न आ जाता है और उसके एलीज यानी कि वो ग्रुप जो बेसिकली फर्न की तरह है, जिसमें साइलोप्सिडा है, लाइकोप्सिडा है एंड स्पेनोप्सिडा है। और फिर सीड वाले प्लांट्स, वस्कुलर प्लांट दो तरह के हैं, सीडलेस एंड सीड, एंड सीड वाले क्या है, स्पर्मेटोफाइट, जिसमें हमारे पास जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आते हैं। ठीक है, अभी मैं डिस्कस करता हूँ सीडलेस वस्कुलर प्लांट को, वो वस्कुलर प्लांट जिसमें सीड्स नहीं होते, जिसमें हमारे पास टेरिडोफाइट्स आते हैं। तो टेरिडोफाइट्स आर द सीडलेस वस्कुलर प्लांट, एमसीक्यू का पॉइंट है, टेरिडोफाइट आर द सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स, इसमें कौन आता है, फर्न एंड उसके एलाइज आते हैं। जो सीडलेस वस्कुलर प्लांट है उसमें फर्न आ जाता है, फर्न के एलीज यानी कि, और फर्न आ जाता है, फर्न एलीज का मतलब है कि वो बेसिकली स्पोर प्रोड्यूस करने वाले वस्कुलर प्लांट, दोज स्पोर प्रोड्यूसिंग वस्कुलर प्लांट विच आर कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स, सब डिविजन साइलोप्सिडा, सब डिविजन लाइकोप्सिडा, सब डिविजन स्पेनोप्सिडा। इनकी एग्जाम्पल याद रखनी है, साइलोप्सिडा के अंदर है साइलोटम, ठीक है, साइलोप्सिडा के अंदर क्या है, साइलोटम है एंड मेसिप्टेरिस, मेसिप्टेरिस एंड साइलोटम, या फिर आगे इसको पाइलोटम बढ़ते हैं, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, बॉटनी आई हेट इट। फिर साइलोटम है हमारे पास एंड मेसिप्टेरिस है, किसमें है, साइलोप्सिडा। तो साइलोप्सिडा के अंदर दो चीजें आ रही हैं, अगेन साइलोप्सिडा के अंदर दो चीजें आ रही हैं, कौन सी दो चीजें आ रही हैं, एक तो आ रहा है साइलोटम, ओके सर, साइलोप्सिडा में साइलोटम आता है, और क्या आता है, मेसिप्टेरिस। तो मेसिप्टेरिस एंड साइलोटम दोनों हमारे पास साइलोप्सिडा के अंदर आ जाते हैं। और क्या आता है हमारे पास, यहाँ पर आता है लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा में, लाइकोप्सिडा से नाम भी लाइकोपोडियम, साइलोप्सिडा से साइलोटम, लाइकोप्सिडा से लाइकोपोडियम, साइलोप्सिडा से साइलोटम, लाइकोप्सिडा से लाइकोपोडियम। फिर यहाँ पर है स्लेजनेला, लाइकोप्सिडा में स्लेजनेला भी आता है, ठीक है। फिर स्फेनोप्सिडा में हमारे पास इक्विसीटम, स्फेनोप्सिडा में हमारे पास है इक्विसीटम, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं सब डिविजन साइलोप्सिडा को, जिसमें साइलोटम एंड मेसिप्टेरिस आता है। कह रहे हैं सब डिविजन साइलोप्सिडा है, इसके अंदर विस्क फर्न्स भी आते हैं, ये लिविंग फॉसिल्स हैं, यानी कि बहुत पुरानी तरह की प्लांट की वैरायटी की ये जीती जागती मिसाल है। कह रही है मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप है, तो एमसीक्यू का पॉइंट है कि जो मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप जो वस्कुलर प्लांट्स का है वो कौन सा है, वो सब डिविजन साइलोप्सिडा है। इसके अंदर दो जनरेशन आ जाती है, साइलोप्सिडम साइलोटम आता है और मेसिप्टेरिस आता है। कह रहे हैं जो साइलोप्सिडा वाला है ना, इट वॉज कंसिडर्ड अ लिविंग फॉसिल, इसको लिविंग फॉसिल कहा जाता था, क्यों, क्योंकि इसकी जो अपेयरेंस है वो सेम है जस्ट लाइक फॉसिल प्लांट राइनिया। राइनिया एक फॉसिल प्लांट है जो पुराने जमाने में हुआ करता था, ठीक है, राइनिया एक फॉसिल प्लांट है जो पुराने जमाने में हुआ करता था। तो उसी की बेसिस पे जो साइलोप्सिडा है ना, जो साइलोप्सिडा है हमारे पास, उसकी काफी चीजें सिमिलर थी राइनिया की तरह, तो इसलिए हम साइलोप्सिडा को हम एक तरह का वस्कुलर प्लांट कहते हैं, कहते थे। साइलोटम इज द ओनली लिविंग वस्कुलर प्लांट, साइलोटम जो साइलोप्सिडा की एग्जाम्पल में आता है, कौन, साइलोटम। तो साइलोटम इज द ओनली लिविंग वस्कुलर प्लांट, ओनली लिविंग वस्कुलर प्लांट साइलोटम, ओके, साइलोटम इज द ओनली लिविंग वस्कुलर प्लांट जिसके अंदर लीव्स एंड रूट्स एब्सेंट होती हैं। सो एमसीक्यू आएगा ओनली लिविंग वस्कुलर प्लांट जिसके अंदर रूट्स भी एब्सेंट हैं और लीव्स भी एब्सेंट हैं, वो क्या है, वो है हमारे पास साइलोटम। ना लीफ है, पत्ते हैं, ना रूट्स है, यानी कि स्टेम तो होगा, यस होगा। साइलोप्सिडा के जो स्पोरोफाइट होते हैं वो सिंपल एंड डाइकोटोमसली यानी कि इवनली ब्रांच, यानी कि अगर एक ब्रांच यहाँ है तो दूसरी यहाँ होगी। तो जो साइलोप्सिडा स्पोरोफाइट हैं वो सिंपल हैं एंड डाइकोटोमसली ब्रांचिंग, इनके स्मॉल प्लांट्स होते हैं और इनके अंदर कोई ट्रू लीव नहीं होते, लेकिन छोटी आउटग्रोथ होती है स्टेम के अंदर से, जो कि बेसिकली लीव की तरह बिहेव कर रही होती है। दे लैक ट्रू लीव, इनके अंदर ट्रू लीव नहीं होते, किसके अंदर, साइलोप्सिडा के अंदर, इनके अंदर ट्रू लीव नहीं होते, बट ये छोटे छोटी आउटग्रोथ निकालते हैं स्टेम से, जिसको हम इनेशंस कहते हैं, ठीक है, स्टेम से छोटी छोटी आउटग्रोथ निकालते हैं। अगर ये स्टेम है तो, या फिर एक मिनट, अगर ये स्टेम है, ये पूरा स्टेम जा रहा है, इस स्टेम से जो येलोइश कलर की चीजें नजर आ रही है ना, ये इनेशंस हैं, और ये क्या है, एक तरह की
ब्रांचेज हैं जो स्टेम से निकल रही हैं, आउटग्रोथ हैं जो स्टेम से निकल रही हैं, विच आर बेसिकली बिहेविंग लाइक अ लीफ। ठीक है, तो एरियल स्टेम है, जो हवा वाले स्टेम है, वो ग्रीन होते हैं, ग्रीन कलर का स्टेम है। क्यों भाई? जब पत्ते नहीं है तो ऑब्वियसली इसको फोटोसिंथेसिस करना है, तो ये ग्रीन इन कलर होता है। एंड फोटोसिंथेसिस कौन कराता है? स्टेम कराता है साइलोप्सिडा। एमसीक्यू, साइलोप्सिडा के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ होता है? स्टेम के अंदर होता है। स्पोरंजिया है, स्पोरंजियम जो है वो इनकी जो ब्रांचेस की ये जो टॉप पार्ट है वहां पर इनका बेसिकली सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप होता है, और स्पोरंजिया के अंदर मियोसिस होता है जिससे हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं स्पोर मदर सेल से। तो स्पोरंजिया जो है, स्पोरोफाइट का जो स्पोरंजिया है, स्पोरोफाइट के अंदर जो स्पोरंजियम है वो टिप ऑफ द स्टेम पे बनता है या ब्रांचेस की टिप पे बनता है, और इसके अंदर मियोसिस होता है जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं स्पोर मदर सेल से। ठीक है, ये कह रहे हैं ये जो स्पोर्स जो होते हैं मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, एक जैसे होते हैं सारे के सारे, क्योंकि बेसिकली स्पोरंजिया से आ रहे हैं। स्पोरंजिया कहाँ था? टिप ऑफ स्टेम पे था। इनको हम होमोस्पोर कहते हैं, और इस फॉर्मना को होमोस्पोरी कहते हैं। जो एक स्पोर होता है, ठीक है, वो जर्मिनेट करता है और उससे गैमेटोफाइट बनता है साइलोप्सिडा का, विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोथेलस। तो एमसीक्यू पॉइंट है, प्रोथेलस क्या होता है? इट इज बेसिकली व्हाट? इट इज अ गैमेटोफाइट ऑफ साइलोप्सिडा। ठीक है, प्रोथेलस कहते हैं। इट हैज वन और मोर डाइकोटोमस ब्रांचेस, इसके अंदर ब्रांचेस होती हैं बट कम होती हैं। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे एक सेल वाले राइजोइड होते हैं, यानी कि रूट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी रूट्स तो होनी नहीं है, ना रूट्स हैं इसके अंदर ना लीव्स हैं, नो टू रूट्स नो टू लीव्स। तो मोनोशियस है, यानी कि एक ही के अंदर दोनों सेक्सुअल ऑर्गन पाए जाते हैं, मेल सेक्स एंथेरिडियम, फीमेल सेक्स आर्चिगोनियम जो है वो कहाँ पर ग्रो करते हैं? एपेक्स, जो ऊपर वाला पार्ट है गैमेटोफाइट का, उसके एपेक्स पे ग्रो करते हैं हमारे पास क्या? मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स, किसके अंदर? गैमेटोफाइट के अंदर। गैमेटोफाइट क्या है हमारे पास? मोनोइशियस है। क्या है ये हमारे पास? मोनोइशियस है। ये बातें आपने बिल्कुल याद रखनी है। फिर सब डिवीजन लाइक ऑप्सिडा की बात करते हैं। सब डिवीजन लाइक ऑप्सिडा है, हम इनको क्लब मॉसेस कहते हैं। लाइक ऑप्सिडा का दूसरा नाम है क्लब मॉसेस, ये याद रखनी है बातें। जो बातें मैं याद रखने का कह रहा हूँ ना, जस्ट राइट इट डाउन, सिंस सिस्टर इजंट इंक्लूडेड इन योर एमडीकैट, बट हम एक एक्स्ट्रा तौर पर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ बेसिकली ये वो पॉइंट्स हैं जो कि एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। सो यू नीड टू राइट दीज पॉइंट्स ताकि आप बाद में जब रिवाइज करने बैठो तो पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो सब डिवीजन लाइक ऑप्सिडा के अंदर क्लब मॉसेस इसका दूसरा नाम है। ठीक है, जो ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि जमीन के सेंट्रल एरियाज में पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर फर्स्ट प्लांट्स टू हैव इवॉल्वड थ्रू रूट्स। तो एमसीक्यू बिल्कुल आ गया यहाँ पर, सबसे फौरन आ गया कि कौन से प्लांट्स हैं जिनके अंदर सबसे पहले असली ट्रू रूट डेवलप हुई थी, वो लाइकोप्सिडा यानी क्लब मोसिस वाले थे। इट इज जनरली सपोज दैट इनकी जो रूट जो थी ना, वो इनकी जो एल्गा होता है ना, एल्गा जमीन के अंदर एल्गा था, उस एल्गा के अंदर से कोई स्ट्रक्चर निकला जो जिसने इनकी रूट्स बना दी। ये भी तो यही माना जाता है कि जो ब्रांचेज है ना एल्गा की, उससे इनकी रूट्स बनी है। जो एल्गा था जमीन के अंदर पाया जाता था। ठीक है, तो कह रहे हैं स्पोरोफाइट जो होता है सब डिवीजन लाइक ऑप्सिडा का, ऑब्वियसली ये डोमिनेंट होगा, तो कंसिस्ट ऑफ डाइकोटोमसली ब्रांच शूट। तो उसके अंदर भी डाइकोटोमस ब्रांच शूट थे, इसके अंदर भी डाइकोटोमस ब्रांच शूट थे। इसके अंदर लीव्स होते हैं बट स्पाइक लाइक होते हैं। यहाँ पर डायग्राम भी नीचे गिवन है कि स्पाइक लाइक, अगर ये बेसिकली ब्रांच है तो यहाँ से इस तरह के लीव्स स्पाइक की फॉर्म में निकल रहे होंगे, स्पाइक लाइक लीव निकल रहे होते हैं। स्पोरंजिया है वो इस लीव के एक्सेल के अंदर होते हैं, यानी कि सेंटर के अंदर होता है, या तो बिल्कुल अलोंग द स्टेम या फिर कोन की फॉर्म में, यानी स्ट्रॉबिलस की फॉर्म में। ये स्ट्रॉबिलस है जो इनका बेसिकली स्पोरंजियम होता है, या तो इसके अलोंग होता है यहाँ पर, जिस तरह रूट की डायरेक्शन, जिस तरह शूट की डायरेक्शन है उसी के अलोंग, या फिर कह रहे हैं वो इस स्ट्रॉबिलस की फॉर्म में होता है, जो ये अलग से पार्ट नजर आ रहा है यहाँ स्ट्रॉबिलस की फॉर्म में, इस तरह होता है। ठीक है, तो एमसीक्यू मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ ताकि आपको याद रह जाए ये बात कि जो स्पोरोफाइट होते हैं उसके अंदर डाइकोटोमस ब्रांच शूट होती हैं, और उनकी जो वो ब्रांच शूट्स हैं वहां से बेसिकली स्पाइक की तरह के लीफ निकल रहे होते हैं। तो स्पोरंजिया होता है वो लीफ एक्सेल में होता है, स्पोरंजिया लीफ एक्सेल में होता है, किसके अंदर? लाइकोप्सिडा यानी क्लब मॉसेस के अंदर। ओनली बेसिकली फर्स्ट प्लांट जिनके अंदर टू रूट्स होती है, एमसीक्यू पॉइंट, फर्स्ट प्लांट जिसके अंदर टू रूट्स होती है। जो स्पोरंजिया है कह रहे हैं दे कंटेन लीव्स आर कॉल्ड स्पोरोफिल। तो स्पोरंजिया जिसके अंदर लीव भी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्पोरोफिल कहते हैं। तो लाइकोपोडियम जो है वो इसके एग्जाम्पल में आता है, लाइकोपोडियम आर द होमोस्पोरस हैविंग वन टाइप ऑफ स्पोर डेवलप मोनोशियस गैमेटोफाइट दैट बियर बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो बेसिकली लाइकोपोडियम जो है वो होमोस्पोरस होते हैं, उनके अंदर एक तरह का स्पोर पैदा होता है, जो एक तरह का स्पोर डेवलप होता है उससे एक ही तरह के गैमेटोफाइट यानी कि मोनोशियस गैमेटोफाइट बनते हैं। मोनोशियस यानी कि वो गैमेटोफाइट जिसमें मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन दोनों एक ही जगह पर होंगे। दोबारा, लाइकोपोडियम जो है होमोस्पोरस होते हैं, उनके अंदर एक टाइप का स्पोर जो है डेवलप होता है इनको,
मोनोइशियस गमिटोफाइट विच हैव बोथ मेल एंड फीमेल इन द सेम ऑर्गन। तो सिलेजिनेला है हमारे पास एक कॉमन ग्रीन हाउस प्लांट है, ठीक है। सिलेजिनेला जो है उसके अंदर हेट्रोस्पोर है, लाइकोपोडियम के अंदर होमोस्पोर है। एमसीक्यू, लाइकोपोडियम के अंदर होमोस्पोर है लेकिन सिलेजिनेला के अंदर हेट्रोस्पोर होते हैं। इट प्रोड्यूसेस स्पोर ऑफ टू डिफरेंट काइंड। लार्ज जो स्पोर्स होते हैं वो बनाते हैं फीमेल गेमेटोफाइट, और जो स्मॉल होते हैं यानी आर्चिगोनिया, एंड जो स्मॉल माइक्रोस्पोर होते हैं वो डिवेलप इनटू मेल गेमेटोफाइट एंड थ्रीडियम। एमसीक्यू पॉइंट है कि मेल गेमेटोफाइट का नाम क्या है बेटा? मेल गेमेटोफाइट का नाम है हमारे पास एंथेरिडियम, फीमेल का क्या है? आर्चिगोनियम। मेल गेमेटोफाइट किसके अंदर सर? ये सिलेजिनेला के अंदर। ओके, सिलेजिनेला के अंदर जो मेल गेमेटोफाइट है वो माइक्रोस्पोर से डेवलप होता है, फीमेल गेमेटोफाइट जो है वो सिलेजिनेला के अंदर बड़े स्पोर से पैदा होता है, ठीक है। और सिलेजिनेला के अंदर हेट्रोस्पोरी होती है बट लाइकोपोडिया के अंदर होमोस्पोरी होती है जो कि गेमेटोफाइट बनाता है जो कि मोनोइशियस होता है, ठीक है। ओके, अब हम डिस्कस करना है सब डिवीजन स्फेनोप्सिडा को। जो सब डिवीजन स्फेनोप्सिडा है उसका दूसरा नाम हमारे पास यहाँ पर हॉर्स टेल भी है, ठीक है। कह रहे हैं हॉर्स टेल जो है ग्रो अबंडेंटली इन द स्वैम्प ऑफ कार्बोनिफेरस टाइम। तो ये जो कार्बोनिफेरस टाइम है बेसिकली उस टाइम, ये अगर इसके जिक्र किया जाए ना कि व्हाट बेसिकली कार्बोनिफेरस टाइम, एमसीक्यू के लिए नहीं बताया वैसे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। 300 मिलियन साल पहले के दौर में ये कार्बोनिफेरस टाइम पाया जाता था, और कार्बोनिफेरस टाइम का मतलब है कि वो टाइम जब जमीन के अंदर कोल बहुत हाई क्वांटिटी के अंदर था, ठीक है। तो जो हॉर्स टेल यानी कि स्फेनोप्सिडा वाले हैं, ये स्वैम्प यानी कि वो एरिया जहाँ पर पानी जमा हो जाता है वहां पर ग्रो करते हैं, ठीक है। कौन? हॉर्स टेल स्फेनोप्सिडा। टुडे जो फाइलम जो है उसमें कंसिस्ट ऑफ ओनली वन लिविंग जेनरा इक्विसिटम। तो स्फेनोप्सिडा की एग्जाम्पल बेटा याद रखना, नहीं भूलनी, कभी नहीं भूलनी इक्विसिटम, और एक ही है जो इनकी लिविंग है इक्विसिटम। इसके अंदर जो होता है राइजोम होता है यानी कि ट्रू रूट नहीं होता, देयर प्रोड्यूसेस अपराइट स्टेम। अच्छा हाँ, राइजोइड जो होता है वो रूट लाइक होता है, जो राइजोम होता है वो स्टेम का काम है। राइजोम इज नॉट अ रूट, राइजोम इज बेसिकली अ फॉल्स स्टेम, इज अ फॉल्स स्टेम। एंड राइजोइड जो है जेड ओ आई डी वाला, दैट्स अ रूट, दैट्स अ फॉल्स रूट। ओके, कह रहे हैं राइजोम जो है वो अपराइट स्टेम बनाता है। स्टेम आर ग्रीन और उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। छोटे लीव आर बॉर्न इन अ शीट लाइक होल्स एट नोड इन द स्टेम। स्टेम जो है ना, स्टेम के अंदर वो एरिया जहां से बेसिकली शूट्स ने लीव ने ग्रो करना होता है, ये स्टेम है। स्टेम का ये एरिया है जहां से लीव ग्रो करना चाहेगा। तो यहाँ पर जो है लीव ना उस होल्स की फॉर्म में यानी कि पत्तियों की फॉर्म में ग्रो करता है, इन सेम लाइक, ठीक है। शीट लाइक अ होल सेट नोड इन द स्टेम। स्पोरंजिया आर प्रोड्यूस इन स्मॉल स्ट्रोबिलाई। स्ट्रोबिलस क्या होता है? ये स्ट्रोबिलस होता है। स्ट्रोबिलस के अंदर स्पोरंजियम बनता है, ठीक है। ये स्पोरंजियम, स्पोरंजियो देखो स्ट्रोबिलस होता है, स्ट्रोबिलस के अंदर स्पोरंजियोफोर बनता है, स्पोरंजियोफोर से स्पोरंजियम बनता है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि स्पोरंजिया है जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो डिवेलप होते हैं स्ट्रोबिलाई के अंदर, ठीक है। या तो नॉर्मल वेजिटेटिव या फिर स्पेशल रिप्रोडक्टिव शूट के अंदर, या तो नॉर्मल किसी भी तरह के रूट के अंदर या फिर फर्टाइल शूट यानी कि रिप्रोडक्टिव शूट के अंदर ग्रो करते हैं। किसके अंदर? स्ट्रोबिलस के अंदर। कौन? स्पोरंजियम। कहाँ से? स्पोरंजियोफोर से, ठीक है। मियोसिस के बाद इसके अंदर यानी कि मियोसिस होता है, और मियोसिस के बाद हमारे स्पोरंजियम में स्पोर पैदा हो जाते हैं। अगर दोबारा बताऊं बेटा, इक्विसिटम ओनली एग्जांपल है स्फेनोप्सिडा, हॉर्स टेल की कार्बोनिफेरस टाइम में पाए जाते थे। इनके अंदर राइजोम होता है, राइजोइड नहीं होता, जो कि फॉल्स स्टेम से अपराइट स्टेम बनाता है। इसकी शूट जो है वहां पर नोड लाइक पार्ट से वो शीट ऑफ होल्स यानी होल्स की फॉर्म में, पत्तियों की फॉर्म में यहाँ पर पत्ते ग्रो करते हैं। फिर इनका जो स्ट्रोबिलस होता है वहां पे स्पोरंजियम ग्रो करता है, और स्पोरंजियम के अंदर बेसिकली मियोसिस का काम होता है, और मियोसिस की वजह से यहाँ पर स्पोर्स डिवेलप हो जाते हैं, ठीक है। स्पोर अनयूजुअल होते हैं क्योंकि जो आउटर लेयर होती है स्पोर की वो चार स्पोरोपोलिनिन बनाती है। स्पोरोपोलिनिन क्या थी? लिग्निफाइड स्ट्रक्चर थे, जिनको हम क्या कहते हैं यहाँ पर? इलेटर्स कहते हैं। तो यहाँ अगर दिखाना चाहूँ तो इनका जो आउटर स्ट्रक्चर है, आउटर लेयर है, वो ये सीड है, स्पोर है, स्पोर की आउटर लेयर इस तरह के चार बना देगी इलेटर्स जो कि स्पोरोपोलिनिन से मिलकर बने, थ्रेड लाइक इलेटर जो इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं ताकि डिस्पर्स हो, ये स्पोर दूर दूर तक जाए। वैन स्पोर जो है कह रहे हैं डैम प्लेस में पहुंच जाता है, इलेटर जो है सारे कॉइलिंग यानी कि मिल जाते हैं, कॉइल अप कर जाते हैं, और स्पोर जो है वो जर्मिनेट कर जाता है यानी कि उससे बेसिकली स्पोर से पौधा निकलना स्टार्ट हो जाता है। एक छोटा सा गमिटोफाइट जिसका साइज फ्यू मिलीमीटर होता है या 3 सेंटीमीटर होता है इस प्रोड्यूस। तो अगर दोबारा इस सबको मैं दोबारा रिवाइज करवाना चाहूँ, स्फेनोप्सिडा हॉर्स टेल को, कार्बोनिफेरस टाइम, इक्विसिटम ओनली एग्जांपल, राइजोम से अपराइट स्टेम बनता है, स्मॉल लीव शीट ऑफ होल्स की फॉर्म में नोड से ग्रो करते हैं, स्पोरंजिया जो है वो स्ट्रोबिलाई के अंदर होता है,
ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट में, रिप्रोडक्टिव शूट में, और मियोसिस के बाद स्पोर बनता है। स्पोर अनयूजुअल है क्योंकि इसकी आउटर लेयर जो स्पोर की है उससे चार स्पोरोपोलिन की तरह के धागे इलेटर बनते हैं जो इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। स्पोर फिर डैम्प एरिया में जाके गिर जाता है जहाँ पे जर्मिनेट करता है, और वहाँ पे फ्यू मिलीमीटर अप टू 3 सेंटीमीटर साइज का छोटा सा गमीटोफाइट बन जाता है। ठीक है, कहें गमीटोफाइट डोर्सी वेंट्रल है। ठीक है, अब ये सवाल पैदा होता है, सर व्हाट इज डोर्सी वेंट्रल? तो बेटा जो इसका सिंपल सा आंसर है वो ये है, तो डोर्सी वेंट्रल है उसका सिंपल मतलब ये है कि ऐसा पार्ट या ऐसा, चाहे वो डोर्सी वेंट्रल पत्ता हो या कुछ और पार्ट हो उसका, जिसकी आगे वाली सरफेस आगे से कुछ और नजर आती है, पीछे से कुछ और, यानी कि आगे वाला पार्ट ठीक है डिफरेंट है, अलग शेप का है, अलग स्ट्रक्चर का है, पीछे वाला अलग स्ट्रक्चर का है। तो गमेटोफाइट डोर्सी वेंट्रल है, याद रखना। किसके अंदर? इस फेनोप्सिरा होस्टेल के अंदर। यूनिसेलुलर राइजॉइड यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर अराइज होते हैं बेसल सेल से, नीचे वाले पार्ट से। ठीक है, और फिर गमेटोफाइट इज बेसिकली इज अ बायसेक्सुअल। यहाँ पर गमेटोफाइट बायसेक्सुअल है, बट हमने जो क्लब ये जो पढ़ा था हमने लास्ट पार्ट, दैट वाज बेसिकली हमारा लाइकोप्सिडा क्लब मॉसिस, उसके अंदर हमने पढ़ा था ये क्या होता था, होमोस्पोरस और साथ में मोनोइशियस होता था। ठीक है, क्या मोनोइशियस होता था? कौन हमारा? ये इसके अंदर सिलेजनेला के अंदर, सॉरी लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम जो था होमोस्पोरस था और मोनोइशियस गमेटोफाइट बनाता था, जबकि जो सिलेजनेला था वो ग्रीन हाउस का प्लांट है, उसके अंदर हेटरोस्पोरी होती थी जिसकी वजह से जो गमेटोफाइट बनता था वो डायोशियस होता था। ठीक है, प्रोड्यूसेस स्पोर ऑफ दो तरह की वैरायटी के, हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करके मेल एंड फीमेल गमेटोफाइट बनाते हैं, और जो मेल गमेटोफाइट होता है वो माइक्रोस्पोर से मिलकर बनता है, फीमेल वाला जो है सिगोनिया से बनता है, और जीस गमेटोफाइट आर डायोशियस। ठीक है, लाइकोप्सिडा के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये बायोसेक्सुअल है, बायोसेक्सुअल का मतलब है ये मोनोइशियस है, मोनोइशियस है। तो यहाँ पर, वहां पर देखो लाइकोपोडियम क्लब मॉसिस में जो लाइकोपोडियम था वो भी मोनोइशियस था, यहाँ पर जो हमारे गमेटोफाइट है वो भी बायसेक्सुअल यानी कि मोनोइशियस है। इट बियर्ड बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इन द सेम साइट ऑन गमेटोफाइट। अब सब डिवीजन हमारे पास है, दैट इज सब डिवीजन फेलिसिनोफाइटा या फेलिसिनोफाइटा, जिसको हम फर्न्स भी कहते हैं। फर्न आर द मोस्ट डाइवर्स ऑफ द स्पोर प्रोड्यूसिंग मस्कुलर प्लांट, यानी कि सबसे डाइवर्स, सबसे अलग स्ट्रक्चर रखने वाले, बहुत ज्यादा वराइटी रखने वाले जो नॉन वस्कुलर प्लांट्स हैं, सीडलेस वस्कुलर प्लांट, उसमें हमारे पास फर्न आता है। मोस्ट ऑफ दीज आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल यानी कि वो सेंटर वाले एरियाज में पाए जाते हैं, बट मैनी ग्रो अबंडेंटली इन द डैम हैबिटेट इन द टेम्परेट रीजन, बट कुछ टेम्परेट यानी कि ऊपर नीचे वाले एरियाज, वो एरियाज जो ज्यादा हॉट होते हैं वहाँ पर भी ग्रो करते हैं। डैम हैबिटेट इन टेम्परेट रीजन वॉट फर्न्स, कह रहे हैं दे रेंज इन साइज फ्रॉम छोटे से लेके बड़े फर्न्स तक, और इवन के कुछ ऐसे होते हैं जो कि पानी में फ्लोट कर रहे होते हैं, कुछ तो लंबी लंबी ट्रीज होती हैं। ठीक है, तो इनका साइज बहुत डाइवर्स है, कोई बिल्कुल छोटा है, कोई पानी में तैर रहा है, और कोई बहुत बड़ा ट्री है। फर्न जो होते हैं इनके अंदर हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, जिसके अंदर स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है। ऑब्वियसली जितने भी वस्कुलर प्लांट है स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा, स्पोरोफाइट के अंदर असली रूट्स होती हैं, लीव्स एंड स्टेम। तो बेसिकली हमारे पास फर्न्स के अंदर ट्रू रूट ट्रू स्टेम ट्रू लीव है, हमारे पास फर्न के अंदर ट्रू रूट ट्रू स्टेम ट्रू लीव है। तो सब डिविजन फेनोप्सिडा था, इसके अंदर जो रूट्स थी दे वर नॉट ट्रू। ठीक है, रूट्स वर नॉट ट्रू इन, खास तौर पर गमेटोफाइट के अंदर राइजॉइड था, और यहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि यहाँ लीव तो थे ठीक है, बट जो स्टेम जो था वो हमारे पास राइजोम से डिवेलप हो रहा था, तो जो स्टेम जो था वो भी नहीं था, तो स्टेम में रूट नहीं था, बट जो रूट सबसे पहले डिवेलप होती थी वो हमारे पास आई गेस क्लब के अंदर होती थी। ठीक है, दे हैव ट्रू रूट, यस, लाइक ऑप्सिडा क्लब मॉसिस की सबसे पहले ट्रू रूट आई थी। ठीक है, और लाइकोप्सिडा से पहले हमने क्या पढ़ा था, बिफोर लाइकोप्सिडा हमने साइलोप्सिडा पढ़ा था, वो सिंपल डाइकोटमस ब्रांच होती थी, इस आउटर ग्रोथ निकलती थी स्टेम से, जो बेसिकली ट्रू लीव नहीं होते थे, और स्टेम के अंदर ही बेसिकली इसकी फोटोसिंथेसिस का काम होता था। फिर स्टेम की जो टॉप पोजीशन थी वहां पर स्पोरंजिया डिवेलप होता था, उस स्पोरंजियम के अंदर हैप्लॉइड मदर सेल से स्पोर मदर सेल बनते थे, स्पोरो ये सारा स्पोरोफाइट का जिक्र हो रहा है डाइकोटमस ब्रांचिंग वाला, और उसकी जो ब्रांचेस के टॉप एंड था वहाँ पे स्पोरंजिया डेवलप होता था, फिर हैप्लॉइड स्पोर मदर सेल बनते थे, फिर उससे अलग किस्म के, अच्छा जो स्पोर बनते थे ना हैप्लॉइड मदर सेल से वो सारे होमोस्पोरस होते थे। किसके अंदर ये है, ये हम लोग साइलोप्सिडा साइलोटम की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक स्पोर जो था वो जर्मिनेट होता था इनटू गमेटोफाइट ऑफ साइलोप्सिडा जिस कॉल्ड प्रोथेलस, फिर जो गमेटोफाइट होता था उसके अंदर डाइकोटमस ब्रांचेस आ जाती थी, उसके अंदर न्यूमरस यूनिसेलुलर राइजॉइड यानी कि वही नॉट ट्रू रूट आती थी, मोनोइशियस था यानी कि बायसेक्सुअल था, तो बायसेक्सुअल है यहाँ पर गेमिडोफाइट।
मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम आर प्रोड्यूस नियर द ग्रोइंग एपेक्स, ये भी हमने जिक्र किया था। इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का सिंपल तरीका है कि आप इसके डिफरेंसेस बनाओगे, तीनों लिखोगे, बल्कि चारों हमारे पास जो जितनी भी क्लासेस हैं सारी चारों आमने सामने लिखो, याद करो। दैट इज द ओनली वे टू लर्न दीज एंड रिमेंबर दीज, ठीक है। यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस ताकि आप याद रख पाओ हर चीज। स्पोरोफाइट की जनरेशन ट्रू रूट है, ट्रू स्टेम है, ट्रू लीव है, याद रखना है कि ट्रू रूट किसके अंदर आता था, ट्रू लीव किसके अंदर आता था, ट्रू स्टेम किसके अंदर आता था, ये सारे एमसीक्यू के पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। वैस्कुलर टिश्यू जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द स्पोरोफाइट, ठीक है। और लीव्स आर लार्ज एंड कॉल्ड फ्रॉन्ट्स, स्पोर्स जो होते हैं दे आर प्रोड्यूस इन द स्पोरेंजिया विच इज यूजली इन क्लस्टर्ड कॉल्ड सोरस। एमसीक्यू पॉइंट है वैस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम जो है स्पोरोफाइट के अंदर प्रेजेंट है। लीव आर लार्ज, पत्ते बड़े होते हैं जिनको हम फ्रॉन्ट्स कहते हैं। तो फ्रंट्स के जो लीव हैं उनको हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम फ्रॉन्ट्स। और जो फ्रॉन्ट्स होते हैं बेसिकली हमारे पास पाए जाते हैं इन फॉर्म ऑफ क्लस्टर ग्रुप जिसको हम सोरस कहते हैं। तो पत्तों का ग्रुप इज कॉल्ड सोरस, पत्तों को कहते क्या है? फ्रॉन्ट। गैमेटोफाइट जो है वो छोटा सा प्रोथैलस होता है, प्रोथैलस इसके अंदर भी है और हमने प्रोथैलस पहले भी यहाँ पर जिक्र किया था। आई गेस दैट फॉल्स इन प्रोथैलस, यस हियर इट इज। जो प्रोथैलस था हमारे पास साइलोप्सिडा के अंदर था, तो साइलोप्सिडा के अंदर भी गैमेटोफाइट को प्रोथैलस कहते थे क्योंकि छोटा था, और यहाँ पर फ्रंट्स के अंदर भी इसको हम प्रोथैलस कहते हैं। इसका डिफरेंस लिखने आपने, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसके अंदर एंथेरिडिया एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं। और उसकी एग्जाम्पल क्या है? ड्रायोप्टेरिस। फर्न की एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस, फर्न की एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस, क्योंकि एग्जाम्पल्स आ जाएंगी, कहा जाएगा इसको लोकेट करो किसका है ये तो आपको बताना होगा। सो स्टूडेंट मैं इस फर्स्ट पार्ट को यहाँ तक रखता हूँ। सेकेंड पार्ट है उसमें हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ लीव की, और जो फिर जो हमारे पास लाइफ साइकिल है फर्न की उसको भी डिस्कस किया जाएगा। बल्कि सिंस ये फर्न की लाइफ साइकिल है तो दैट शुड बी डन हेयर, तो मैं बेसिकली इसको यहाँ पर ही कंटिन्यू करता हूँ। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ ओरिजिन ऑफ लीव की कि लीव कैसे बने, देखो लीव सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है ग्रीन प्लांट का, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है। लीव दो तरह के हो सकते हैं, वो लीव जिसकी एक वेन हो, अगर ये लीव है इसके अंदर एक वेन है इसको हम कहते हैं माइक्रोफाइलस। अगर इसके अंदर बहुत सारी वेन्स होंगी, वहां से इस तरह वेन निकल रही होंगी, दैट्स कॉल्ड मेगाफाइलस, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एक वेन वाले लीव की। उसकी एक थ्योरी है इनिशन थ्योरी, और अकॉर्डिंग टू इनिशन थ्योरी ये कहती है बेटा कि जो हमारा स्टेम था ना वहां से वो थॉर्न की तरह, जिस तरह कांटे नहीं होते, कांटे की तरह पत्ते निकले, ठीक है। और इन पत्तों के अंदर बेसिकली वो जो वस्कुलर टिश्यू था वो भी डिवेलप हो गया, और वस्कुलर टिश्यू के डिवेलप होने की वजह से ताकि वो पानी का सपोर्ट, पानी वगैरह भी इस तक जा सके, और जो खाना बनाएगा फोटोसिंथेसिस के बाद वो भी यहाँ से हम ट्रेवल ट्रांसपोर्ट कर सकें, तो वहां पर वस्कुलर टिश्यू भी ग्रो हो गया। तो पहले थोड़ी आउटग्रोथ हुई, थोड़ लाइक आउटग्रोथ हुई थी, सोमिनेशन कहते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ नेकेड स्टेम, एक स्टेम के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था, ये जो थॉर्न थी उसका साइज इंक्रीज हुआ, वस्कुलर टिश्यूज के अंदर डेवलप हुआ ताकि वो पानी को, खाने को भी सप्लाई कर सके और सपोर्ट भी दे सके लीफ को। कौन? वस्कुलर प्लांट, वस्कुलर पार्ट, ठीक है। फिर इनेशन थ्योरी के बाद है रिडक्शन थ्योरी एक वेन की। तो वन वेन के लिए इनेशन थ्योरी है, रिडक्शन थ्योरी है। रिडक्शन थ्योरी है वो ये कहती है कि जो सिंगल वेन लीव था ना, एक वेन वाला लीव था, वो निकला था बेसिकली हमारे पास स्टेम है, उस स्टेम के अंदर बहुत सी ब्रांचेस निकल रही हैं। तो ब्रांचिंग सिस्टम जो था हमारे पास प्रीमिटिव वस्कुलर प्लांट का, वो जो ब्रांचिंग सिस्टम, जो ब्रांचेस होती थी फॉर एग्जांपल, वो साइज में छोटी हो जाती थी, जब रिड्यूस हो जाती थी तो वहां से बेसिकली लीव गुजरता था। तो रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन इन द साइज ऑफ ब्रांचिंग सिस्टम, ठीक है। लीफलेस वो ब्रांच जिसके अंदर पत्ते नहीं होते थे, ओके। तो द रिडक्शन इन साइज ऑफ लीफलेस ब्रांचिंग सिस्टम ऑफ द प्रीमिटिव वस्कुलर प्लांट, तो प्रीमिटिव वस्कुलर प्लांट का जो बेसिकली लीफलेट्स पार्ट थे उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर होती थी रिडक्शन, उसकी वजह से एक वेन वाला लीफ बनता था। और कह रहे हैं जो लाइकोपोडियम क्लब मॉसिस के पत्ते और जो इक्विसीडम है हॉर्सटेल उसके पत्ते जो थे वो, दैट इज हाउ दे केम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू रिडक्शन थ्योरी। तो रिडक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइकोपोडियम क्लब मॉसिस है और जो इक्विसीडम हॉर्सटेल है दे केम इनटू द एग्जिस्टेंस, ठीक है। फिर हमारे पास है मैनी लीव, यानी कि वो पत्ते हैं जिनके अंदर बहुत सारी वेन्स होती हैं, उनकी क्या थ्योरी है? कह रहे हैं बहुत सारी वेन वाले लीव मेगाफाइलस ओरिजिनेटेड मच लेटर, वो बहुत बाद में ग्रो हुए, बहुत बाद में डेवलप हुए। दीज आर द एवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन ऑफ फॉर्क ब्रांचिंग सिस्टम इन द प्रीमिटिव प्लांट। जो फॉर्क लाइक ब्रांचिंग सिस्टम है ना, ऐसा ब्रांचेस जो कि खाने का फॉर्क नहीं होता इस तरह का, वहां से ग्रो हुए। अब देखो इसके अंदर ऑलरेडी तीन वेन है, अगर यहाँ पर वस्कुलर टिश्यू डेवलप हो जाएगा तो मैनी वेन वाला लीव बन जाएगा,
तो जो वेब थ्योरी है वो ये बताती है कि जो बहुत सी वेन वाले लीव थे वो ग्रो हुए थे फॉर्क ब्रांचिंग सिस्टम ऑफ द वस्कुलर प्रिमिटिव प्लांट। फर्स्ट स्टेप इन द एवोल्यूशन ऑफ दिस लीफ वॉज रिस्ट्रिक्शन ऑफ फॉर्क ब्रांचेस टू सिंगल प्लेन। पहला सबसे पहला काम क्या था कि जो फॉर्क ब्रांचेस निकल रही थी ना वो एक ही प्लेन में रहे, मतलब एक ही जगह से एक ही जगह पर एक ही तरफ ग्रो करें, ऐसा ना हो कि एक ऊपर चला जाए और एक नीचे घुस जाए, नहीं एक प्लेन के अंदर एक जगह पर एक एक साइड पे ग्रो करें। फर्स्ट स्टेप इन द एवोल्यूशन ऑफ लीफ वाज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ फॉर्क ब्रांचेस टू सिंगल प्लेन। जब सिंगल प्लेन के अंदर वो रिस्ट्रिक्ट हो गया तो ब्रांचिंग सिस्टम था वो ब्रांचेस फ्लैट हो गई। जब फ्लैट हो गई तो उसके बाद जो एवोल्यूशन था इट वॉज ऑल अबाउट फिलिंग द स्पेस बिटवीन ब्रांचेस। जब ब्रांचेज हैं और वो ब्रांचेज फ्लैट हो चुकी हैं तो इनके बीच में जो स्पेस है इट वॉज टू बी फिल्ड एंड इट वॉज टू बी फिल्ड बाय द वस्कुलर टिश्यू। ठीक है, लीफ वॉज फॉर्म एंड लुक लाइक वेब फुट ऑफ अ डक। जिस तरह डक नहीं होती उसके पैर होते हैं, उसके पैर की तरह ये नजर आया था। तो इसलिए हमने कहा जो वेब थ्योरी है वो ये बताती है कि मैनी वेन्स कैसे ग्रो हुई यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें लाइफ साइकिल ऑफ फर्न की, जो लाइफ साइकिल है अगर मैं उस पर ड्रायोप्टेरिस की बात करूँ या एडियनशम की बात करूँ, एडियनडम की बात करूँ, इसके अंदर हेटरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि एक गमेटोफाइट होगा जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, फिर एक स्पोरोफाइट होगा जो कि एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसमें जो स्पोरोफाइट फेज होता है वो डोमिनेंट होता है। ठीक है, बट एक एक डिफरेंस है, हम पहले कितना क्या पढ़ते आ रहे हैं, तो गमेटोफाइट यहाँ पर अगर डोमिनेंट नहीं है तो वो क्या होगा, वो डिपेंड कर रहा होगा किसी के ऊपर, बट यहाँ पर जो गैमेटोफाइट होगा हम आगे जाके पढ़ेंगे इट विल बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, स्पोरोफाइट जो है लेकिन है डोमिनेंट कौन है, स्पोरोफाइट है, बट गैमेटोफाइट भी डिपेंड किसी के ऊपर नहीं करता। ऑल द फ्रेंड जितने भी फ्रेंड्स होते हैं होमोस्पोरस होते हैं, यानी कि एक ही तरह के स्पोर्स बनाते हैं। सबसे पहले हम स्पोरोफाइट फेज की बात करते हैं। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है, उसके अंदर एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, यानी कि ऐसी रूट जो इस तरह ग्रो कर रही होती हैं, ठीक है, फैली हुई। ठीक है, इसमें जो इसका जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड होता है, उसको हम राइजोम कहते हैं, एमसीयू का पॉइंट। स्पोरोफाइट जो होता है उसका स्टेम कैसा होता है, अंडरग्राउंड होता है, हम उसको राइजोम कहते हैं। और उसके लीव जो होते हैं वो पिन्ना की तरह होते हैं, पिनेटली कंपाउंड लीव्स। अगर मैं बेसिकली इसकी डायग्राम दिखाना चाहूँ ना पिनेटली कंपाउंड लीव्स की, तो वेट अ सेकेंड ताकि कोई डायग्राम मिल जाए। इस तरह से, ठीक है, दीज आर पिनेटली कंपाउंड लीव। तो बेसिकली हमें पिनेटली कंपाउंड लीव देखने को मिलते हैं स्पोरोफाइट फेज ऑफ आवर लाइफ साइकिल ऑफ फर्न। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है ना, जो पत्ते होते हैं लीव, उनकी नीचे वाली साइड पे अंडर साइड पे कुछ राउंड राउंड, अगर ये लीव है पत्ता है तो उसके नीचे वाली साइड पे कुछ राउंड राउंड बॉडीज इस तरह की बनना स्टार्ट हो जाती हैं। जो राउंड बॉडीज होती हैं, ठीक है, उनको हम सोरी कहते हैं, और उसका सिंगुलर क्या है, सोरस है। जो राउंड बॉडीज नीचे बनी है उसको हम सोरस कहते हैं। ठीक है, ये ग्रीन कलर की होती हैं, बट जब ये पक जाती हैं ना, व्हेन दे बिकम राइप, ये डार्क ब्राउन हो जाती हैं। ये एमसीक्यू का पॉइंट है। लीव जो होते हैं वो लीव जिनके ऊपर ये बेसिकली सोरी बन रहे होते हैं, या सोरा या सिंगल सिंगल इसका सोरस होता है, वो लीव जो ये सोरी या सोरस बनाते हैं, इन लीव को हम स्पोरोफिल कहते हैं, जो स्पोरोफाइटिक फेज के अंदर होते हैं। एक सोरस जो है बेसिकली उसके अंदर स्पोरेंजिया का ग्रुप होता है। स्पोरेंजिया क्या है, बेसिकली स्पोरेंजिया इज दैट पार्ट जो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, स्पोरेंजिया जो है कह रहे हैं उसके अंदर एक स्टॉक होती है कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजिया जिसने बेसिकली आगे स्पोर बनाने हैं उसकी एक स्टॉक होती है। ठीक है, यहाँ स्टॉक होगी, यहाँ पर स्पोरेंजिया होगा और यहाँ इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। इसके अंदर एक स्टॉक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। और एक बायकॉन्वेक्स कैप्सूल होता है जिसके अंदर एन्युलस एंड स्ट्रोमियम। बायकॉन्वेक्स का मतलब है ऐसा एक कैप्सूल है, ये इसका बेसिकली हमारे पास स्टॉक होगा। ये बायकॉन्वेक्स उसका क्या होगा, बायकॉन्वेक्स विल बी इट्स कैप्सूल जिसके अंदर एन्युलस होता है एंड स्ट्रोमियम होता है। एन्युलस क्या है यार, एन्युलस कुछ तरह के सेल्स होते हैं जो थिक होते हैं, और जो स्ट्रोमियम होते हैं वो पतले थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर होते हैं वो स्पोर मदर सेल से बनते हैं। बेसिकली स्पोरेंजियम के अंदर होता है स्पोर मदर सेल, यानी स्पोरेंजियोफोर या स्पोरेंजियम के अंदर होता है स्पोर मदर सेल। ठीक है, और जो स्पोर मदर सेल है वहां से मियोसिस होता है, और मियोसिस की वजह से वहां पर हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। जो स्पोर होता है वो लिब्रेट हो जाता है स्ट्रोमियम के थ्रू, क्योंकि स्ट्रोमियम पतला है। एमसीक्यू का पॉइंट है स्पोर्स आर लिब्रेटेड थ्रू स्ट्रोमियम क्योंकि थिन वॉल्ड है।
एक जो स्पोर है जर्मिनेट करता है एंड गिव राइज टू अ बायसेक्सुअल, यानी कि ऐसा जो मोनोइशियस होगा गैमेटोफाइट प्रोथेलस। गैमेटोफाइट फेज की बात करें, प्रोथेलस जो है वो गैमेटोफाइट ही होता है। प्रोथेलस जो होते हैं कह रहे हैं इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता, ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद बनाता है, हार्ड शेप होता है, एंड डॉर्सोवेंट्रल यानी कि उसका आगे पीछे वाली सर्फेसिस डिफरेंट है, फ्लैटेंड है ये, लाइंग ऑन द सेम लाइंग ऑन सेम वेट सबस्ट्रेटम, ये भी वेट एरिया में पाया जाता है। ठीक है, ये सॉइल में फिक्स होता है विद द हेल्प ऑफ राइजॉइड, यानी कि रूट नहीं होती इसमें, रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं राइजॉइड, जिसकी मदद से जमीन में फिक्स होता है कौन आपका स्पोर, गैमेटोफाइट यानी कि प्रोथेलस। और इससे जो राइजॉइड है इसके थ्रू इट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। कह रहे हैं प्रोथेलस है वो मोनोइशियस है, प्रोथेलस यहाँ पर मोनोइशियस है, यानी कि दोनों आर्चिगोनिया एंथ्रीडियस के सेम ही पार्ट में पाए जाते हैं। आर्चिगोनिया जो है जो फीमेल पार्ट है उसके अंदर वेंडर होता है, मैंने पहले कहा था वेंडर वो एरिया है जहां पर एग जो है वो डेवलप होता है, ओवम होता है। ठीक है, विद एन ओवम एंड अ नेक विच सिक्रेट मैलिक एसिड बाय डिजनरेटिंग नेक कैनाल सेल एट मेच्योरिटी। होता क्या है, ये जो है इसकी नेक कहलाती है और नेक के अंदर होते हैं यहाँ पर नेक कैनाल सेल, और जो नेक कैनाल सेल होते हैं वो यहाँ पे बेसिकली रिलीज कर रहे होते हैं मैलिक एसिड। ठीक है, जो ईच एंथेरिडियम है जो बेसिकली हमारा इस मेल पार्ट है वो बनाता है स्पर्म यानी कि एंथ्रोजॉइड, और जो एंथ्रोजॉइड है स्पर्म है वो क्या करते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट करती हैं वाटर में। किस वजह से भाई कीमोटैक्टिक मूवमेंट, क्योंकि जो मैलिक एसिड बनाया है नेक कैनाल सेल में ये अट्रैक्ट करता है एंथ्रोजॉइड को, ये पानी के अंदर कीमोटैक्टिक मूवमेंट यानी कि टूअर्ड द केमिकल, टूअर्ड द केमिकल मैलिक एसिड की तरफ मूव करती है और आर्चिगोनियम फीमेल पार्ट पे पहुंच जाती है। कह रहे हैं ओनली वन स्पर्म फ्यूज विद ओवम टू प्रोड्यूस ओस्पोर, एक स्पर्म जो है वो फ्यूज करता है और ओस्पोर बनाता है, यानी कि हमारा जाइगोट बनाता है जो कि डिप्लॉयड होता है। फिर जो यंग स्पोरोफाइट है वो इसे डेवलप हो जाता है और इस तरह जो प्रोथेलस था वो खत्म हो जाता है और लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अगर इसको डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहें, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, मैच्योर स्पोरोफाइट होता है। ठीक है, जो स्पोरोफाइट होता है इसके लीव जो होते हैं हम उसको हम क्या कहते थे, हमारे पास जो लीव होते थे पिनेडली कंपाउंड लीव थे। ठीक है, और इसका जो था स्टेम था वो अंडरग्राउंड था, अंडरग्राउंड स्टेम को हम क्या कहते थे यहाँ पर राइजोम कहते थे। ठीक है, एमसीक्यू पॉइंट। फिर इसके जो लीव के नीचे थे वो सोराए ग्रो करते थे, जो सोराए थे ठीक है सोरस या सोराए भी कहते हैं, और इस पूरे लीव को हम स्पोरोफिल कहते थे। ठीक है, फिर स्पोरंजियम या स्पोरंजियोफोर होता था। ठीक है, स्पोरंजियम स्पोरंजियोफोर होता था, स्पोरंजियम इज समथिंग डिफरेंट, स्पोरंजियोफोर वो स्टॉक थी। ठीक है, तो स्पोरंजियम वो पार्ट है जहाँ पे स्पोर डेवलप करते हैं जो बायोकन्वेक्स कैप्सूल पे कंसिस्ट करता है, ये है स्पोरंजियम, बायोकन्वेक्स है ऊपर इस तरह, और ये है इसका स्पोरंजियोफोर यानी स्टॉक। और ये जो था हमारा स्पोरंजियम इसके अंदर स्ट्रोमियम होता था, और दूसरा क्या होता था हमारे पास कैनाल सेल्स, एक स्ट्रोमियम था और एक एन्युलस था। स्ट्रोमियम था वो पतला था, एन्युलस मोटा था। फिर बाद में इसके अंदर जब स्पोर बन जाते हैं, स्पोर मदर सेल होते हैं, वहां से मियोसिस होके स्पोर बन जाते हैं, जो स्पोर होते हैं वो आगे यंग गैमेटोफाइट यानी कि प्रोथेलस में डेवलप होते हैं। तो प्रोथेलस होता है वो जमीन में फिक्स होता है विद द हेल्प ऑफ दीज पार्ट विच आर कॉल्ड राइजॉइड्स। ठीक है, जिसको न्यूट्रिएंट भी सप्लाई करते हैं। फिर आगे जाकर ये मेच्योर गैमेटोफाइट में जब कन्वर्ट हो जाता है, तो मेच्योर गैमेटोफाइट है बेसिकली। ठीक है, वो मेच्योर गैमेटोफाइट के अंदर से दोबारा सीड की डिस्पर्शन होती है, फिर वो आर्चिगोनियम यानी कि वो जो इसके अंदर जो मेच्योर गैमेटोफाइट है बेसिकली यहाँ पे डेवलप हो रहा है, उसके अंदर से अगेन यहाँ पर स्पोर्स निकलते हैं। मेच्योर गैमेटोफाइट मेल वाले के अंदर से स्पोर्स निकलते हैं, वो जाता है वाटर के अंदर कीमोटैक्टिक मूवमेंट करके आर्चिगोनियम में मौजूद एग को फर्टिलाइज करता है, जिससे जायगोट बन जाता है, जायगोट से दोबारा स्पोरोफाइट। ठीक है, ये पूरी लाइफ साइकिल थी। दोबारा अगर बताना चाहें कि हमारे पास क्या क्या, एक मिनट ये कहाँ पहुंच, वी वर हियर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो तरह की लाइफ साइकिल की बात की, एक स्पोरोफाइट वाली थी और एक गैमेटोफाइट वाली थी। अगर मैं इसको रेज करके एक दफा दोबारा जल्दी से बताऊं, क्योंकि इसको रिटेन करना जरूरी है, तो ये बेसिकली सिंध बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए पेपर में भी आती है पूरी लाइफ साइकिल। तो स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड है, उसके अंदर एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, राइजोम होता है जो अंडरग्राउंड होता है, और पिनेटली कंपाउंड लीव होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसकी वजह से सोरस बनता है, जो सोरस होता है ग्रीन होते हैं बट ब्राउन हो जाते हैं बाद में। फिर जो लीव होते हैं उनके सोराए बियर करते हैं, उसको स्पोरोफिल कहते हैं, और एक सोरस जो होता है बहुत सारे स्पोरंजियम से मिलकर बनता है, एक जो बॉडी थी वो जो स्पोरंजियम है उसके अंदर स्पोरंजियोफोर एक स्टॉक होता है, फिर एनुलर एंड स्ट्रोमियम होता है जो एनुलर सेल है कहते हैं उनके, वहाँ पे हैप्लॉइड मदर सेल होते हैं, जो मदर सेल स्पोर मदर सेल होते हैं वहाँ से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं जो लिब्रेट हो जाते हैं स्ट्रोमियम के जरिए। जब स्ट्रोमियम के जरिए वो लिब्रेट हो जाते हैं, जर्मिनेट करके वो मेनियचोर बायसेक्सुअल प्रोथेलस बना देते हैं, जो कि हमने नीचे देखा था कि प्रोथेलस यहाँ पर
बन गया था यहाँ पर, ठीक है। जब ये प्रोथेलस बन जाता है उसके बाद ये गैमेटोफाइट फेज स्टार्ट हो जाता है। जब प्रोथेलस बन जाता है तो कह रहे हैं इसकी आगे पीछे वाली शेप दोनों डिफरेंट होती है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है, इंडिपेंडेंट ऑटोट्रॉफिक है, हार्ड शेप है, जमीन में फिक्स होता है विद द हेल्प ऑफ राइजॉइड ताकि ये बेसिकली सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्सॉर्ब कर सके। फिर क्या होता है, इसके अंदर जो है हमारे पास कह रहे हैं आर्चिगोनियम जो है वो फीमेल पार्ट होता है, उसके अंदर ओवम एग होता है और नेक होता है। नेक के अंदर मौजूद जो सेल्स हैं वो आर्चिगोनियम है, ये नेक है। नेक के अंदर नेक सेल जो है वो मैलिक एसिड रिलीज करेंगे। मैलिक एसिड जो है यहाँ पर एंथेरिडियम जो कि गैमेटोफाइट के अंदर होगा एंथेरिडियम, वो वहां से हमारे जो स्पर्म एंथ्रोजॉइड है वो आएंगे आर्चिगोनियम के अंदर चले जाएंगे, एग को फर्टिलाइज करेगा, एक स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा, जायगोट बन जाएगा और फिर जायगोट से दोबारा नया स्पोरोफाइट, उससे मेच्योर स्पोरोफाइट बन जाएगा। लाइफ साइकिल थी। कहते हैं वस्कुलर प्लांट जो है वो जमीन के ऊपर बहुत आराम से रह लेते हैं क्योंकि उन्होंने अपने अंदर बहुत सी अडेप्टेशन पैदा किए हैं। वो अडेप्टेशन क्या है, सबसे पहले इनके ऊपर जो गैमेटेंजिया है यानी कि जो जितने भी इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके ऊपर ये जैकेट सेल्स लेयर होती है जो इनको प्रोटेक्ट कर रही होती है। इनका जो एम्ब्रियो होता है वो आर्चिगोनिया के अंदर होता है ताकि ये भी प्रोटेक्ट रहे। इसके अलावा जो क्यूटिकल होती है उनके एरियल यानी कि हवादार पार्ट्स पे वैक्सी लेयर होती है जो कि एक्सेसिव एवेपोरेशन ऑफ वाटर से बचाती है। जाइलम जो होता है पानी को कंडक्ट करता है, डिजोल्व मिनरल को एज वेल एज प्रोवाइड सपोर्ट। जाइलम होता है इनके अंदर वस्कुलर प्लांट्स के अंदर जो इनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, वाटर वगैरह को भी कंडक्ट करता है, साथ में सॉल्ट वगैरह को भी। ऐसी बहुत सी अडेप्टेशन जो पहले वाले प्लांट्स में एब्सेंट थी इनमें डेवलप हो रही है। तो आज की वीडियो का लास्ट पार्ट इंपॉर्टेंस ऑफ सीडलेस वस्कुलर प्लांट, कि जो सीडलेस वस्कुलर प्लांट इसमें फंड भी आते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। कह रहे हैं हमारे लिए हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मैन गेट मैनी थिंग्स लाइक फूड हो गया, शेल्टर हो गया, फ्यूल हो गया, मेडिसिन एंड डेकोरेशन वगैरह के लिए भी हम इनसे चीजें हासिल करते हैं जिनको हम खाने के तौर पर यूज करते हैं, यानी कि टेरिस। इसके साथ साथ जो है ये सारे नाम लिखे हुए, यानी कि बेसिकली हमारे पास कैरोप्टेरिस था, हमारे पास मर्सीलिया था एंड पोलिपोडियम ग्लाइकोराइजिया था। इट इज अ पार्ट ऑफ डाइट ड्यू टू स्वीटनेस ऑफ इट्स राइजोम एंड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिजीज। तो बेसिकली जो पोलिपोडियम है उसका जो राइजोम है, ग्लाइकोराइजिया कहते हैं इसको, पोलिपोडियम ग्लाइकोराइजिया, ये स्वीट इन टेस्ट होता है इसका राइजोम, यानी जो स्टेम का पार्ट जो अंडरग्राउंड होता है वो स्वीट इन टेस्ट होता है, तो आप इसको खाने के लिए इस्तेमाल करते हो, कुछ डिजीज के लिए भी इस्तेमाल करते हो। कह रहे हैं कोल जो एक मेजर फ्यूल का सोर्स है और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इट वॉज डिपोजिटेड बाय सीडलेस वस्कुलर प्लांट ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस पीरियड। एमसीक्यू का पॉइंट है कि कोल को किसने डिपोजिट किया था, सीडलेस वस्कुलर प्लांट ने। तो फॉर्टन फर्न है जो वो फर्न जो बेसिकली वाटर में पाए जाते हैं, कौन से जनरा के ऑफ एजोला हार्बर, एजोला बेसिकली वो फर्न जो वाटर में पाए जाते हैं ऑफ जेनस एजोला, दे हार्बर नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्स करने वाले साइनोबैक्टीरिया होते हैं, किसके अंदर, द वाटर फर्न्स ऑफ जेनस एजोला, उसके अंदर हार्बर यानी कि उसके अंदर होते हैं क्या, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया एंड रिस्टोर दिस इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट टू एक्वाटिक हैबिटेट। ये क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो एक्वाटिक हैबिटेट को देते हैं। द ब्यूटीफुल फ्रॉन्ट्स यानी कि जो बड़े पत्ते होते हैं फर्न के, मेक देम अ फेवरेट डेकोरेटिव प्लांट, इनको हम डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और क्या है, राइजोम ऑफ पोलिपोडियम ग्लाइकोराइजिया जो कि मीठा होता था, हम लिकोराइज फ्रंट भी कहते हैं, ऑल्सो हैव अ मेडिसिन की प्रॉपर्टीज एंड कैन बी यूज फॉर शोर थ्रोट। एमसीक्यू पॉइंट है कि राइजोम का जो पोलिपोडियम ग्लाइकोराइजिया है जिसको हम लिकोराइज फ्रंट भी कहते हैं, ये एक शोर थ्रोट यानी कि गले में जब दर्द होता है ना उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये वन शॉट वीडियो का पार्ट वन यहाँ तक रुकता है, यहाँ मैं इसको रुकता हूँ, ठीक है। जो सीड प्लांट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इसके पार्ट टू में, और मैं कोशिश करूंगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट जो है पूरा एक साथ समहाउ बना दूं, विच बेसिकली कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पेजेस, दैट आई गेस कंटेन 185 पेजेस इन टोटल, तो यानी कि 7 to 8 पेजेस आर रिमेनिंग ऑफ दिस चैप्टर। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप सो कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। डू ट्राई टू रिटेन ऑल द कॉन्सेप्ट, आई नो बॉडी इज हार्ड टू रिटेन, बट मैंने जैसे कहा जो मैंने बातें बताएंगे इंपॉर्टेंट है आपको उनको लिखना है, आई होप सो आपने लिखा होगा। और जो मैंने कहा ना कंपेरेटिव टेबल बनाओ कि एक जो इसकी जो क्लास है साइलोप्सिडा लाइकोप्सिडा वगैरह उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, दूसरी की क्या प्रॉपर्टीज हैं, फिर एक और टेबल बनाओ जिसमें लिखो ट्रू रूट्स किसके अंदर थी, ट्रू रूट किसके अंदर थी, ट्रू स्टेम किसके अंदर थी और राइजोम किसके अंदर था वगैरह वगैरह। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।